चलो सुनो तुम्हारा फर्स्ट जो लेक्चर था वो कौशीट का था कौशीट के अंदर जो सबसे पहला चीज आता है दैट इन एनी पर्टिकुलर केस इज नथिंग बट योर मटीरियल सो ऑब्वियसली वीडिट क्वेश्चशीट ताकि वी ऑल कैन स्टार्ट टू बी डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वास्ट ठीक है तो इन दिस चैप्टर आई वुड बी डीलिंग एवरीथिंग ऑफ मटीरियल्स लेकिन क्या है मटेरियल्स इतनी बड़ी चीज है कि योर सी ए इंटर विल नॉट बी इनफ फॉर दैट वी विल बी अगेन डूइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इन सी ए फाइनल ऑल्दो इन सी ए इंटर वी आर मेनली कंसर्न विद थिंग्स दैट ऑल कैन मेजर एग्जाम्पल मटीरियल का कॉस्ट कम होना चाहिए ये वो सब कुछ ओके okay? मटीरियल हम लोग लाइक यू नो कि कैसे खरीदें बट देन आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि मटीरियल का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट टू अफेक्ट माई अफेक्ट माई प्रोडक्ट्स का क्वालिटी ऑल्सो अगर मटीरियल का क्वालिटी वो खराब है तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रोडक्ट का क्वालिटी भी खराब ही होगा सो ऑल दो फैक्टर्स वील ट्राई टू कंसिडर इन सी ए फाइनल ओके योर सी ए फाइनल का जो पोर्शन है दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सी ए इंटर ओके तो सी ए फाइनल के अंदर भी वो बहुत सारी चीजें आएंगी जो आप अभी करेंगे लेकिन वहां पे बाकी चीजें भी आ जाएंगी दैट यू शुड बी कंसिडरिंग ओके तो लेट्स स्टार्ट अवे विद मटीरियल कॉस्टिंग तो सुनो एटलीस्ट टू स्टार्टअप नो वट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज अ वेरी सिंपल पार्ट एंड वट इज दैट वेरी सिंपल पार्ट ध्यान से सुनना जरा फिर मटीरियल अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन दैट केस मटेरियल इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम ओके जब तक मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्शन कैसे होगा और मटेरियल्स का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए लेकिन मटेरियल्स एक्सेस भी नहीं होना चाहिए मेरे को जरा बोलो अगर मटेरियल का कभी अपने पास कमी हुआ तो हाउ डज इट अफेक्ट यू तो प्रोडक्शन विल स्टार्ट टू गेट यूक्शन चलो ठीक है आई टेल यू द अदर थिंग सपोज जरा सोचो अगर मटेरियल्स की कमी है वर्कर लोग फैक्ट्री आ गए शायद तुम लोग को वर्कर्स को फिर भी पेमेंट तो देना पड़ेगा ऐसा हो सकता है यू माइट बी गारंटिंग देम कि आपको इतना अमाउंट तो हम लोग दिन का देंगे सो so, मटेरियल्स की कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा क्या बोलते सर कमी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा खरीद के वो रखी लेते हैं मेरे को बोलो बहुत ज्यादा खरीदा तो दिक्कत क्या आ जाएगा ठीक है तो मटेरियल्स खराब हो सकता है लॉट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड अगर मटेरियल तूने बहुत ज़्यादा खरीदा ते को बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी ये ना हो कि मटेरियल खरीदने के लिए अपने को लोन लेना पड़े दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल ओनली सो मटेरियल उतना होना चाहिए ताकि थिंग्स कैन बी स्मूथ बस लेकिन क्या होता है ना याद आ, याद रखना दुनिया के अंदर न डिमांड इज नेवर एवर इवन इन लाइफ ओके okay. डिमांड कभी कभी वो ज़्यादा होता है कभी कभी कम होता है एग्जाम्पल जब भी आईफोन लॉन्च होता है विद इन टू मंथस डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है फिर धीरे 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 कम होना स्टार्ट सो डिमांड इज एवर वेरी इवन ओके इन रियल लाइफ तुम्हारे शायद के नहीं, तो फिर भी हो बट इन रियल लाइफ डिमांड इज अन्सर्टन फैक्टर लेकिन क्या है डिमांड तुम्हारे हाथ में नहीं है लेकिन प्रोडक्शन तो तुम्हारे हाथ में है तो हम लोग यूजली क्या करते रहते हैं वी ट्राई टू एस्टिमेट लाइक यू नो की डिमांड कितना होगा जितना डिमांड होगा हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रोडक्शन उसके आसपास ही हो और जब भी प्रोड्यूस करेंगे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो उतना मटेरियल रखो ताकि इन दिस पर्टिकुलर केस तुमको मटेरियल्स ना एक्सेस हो ना वेस्ट हो लेकिन मटेरियल्स की कमी भी ना हो बस ऑल दीज फैक्टर्स विल ट्राई टू कंसिडर फैक्टर्स लाइक एक बारी में कितना रॉ मटेरियल्स खरीदू ज्यादा खरीदा तो प्रॉब्लम कम खरीदा तो प्रॉब्लम मैं रॉ मटेरियल्स कब खरीदूं? इज अ वेरी बिग क्वेश्चन घर में पांच किलो चीनी वो पड़ा हुआ है तुम लोग ना जो चीनी है वो यूएस से इंपोर्ट करते हो ठीक है? तुमको इंडिया चीनी नहीं अच्छी लगती है, okay, okay, example, जो नीता है अभी एज पर रूमर्स वो ग्रीन टी पीती है जो दुनिया में बहुत कमी है वो जिस चीज की? का ऐसा वो सुना है ओके आई एम नॉट इन फ्रेंड्स विद ओके लेकिन जरा वो सोचो अभी वेन टू ऑर्डर उसके पास सपोज लाइक यू नो 200 दिन का स्टॉक वो पड़ा हुआ है शुड शी ऑर्डर ना ओनली और शुड शी वेट एंड देन ट्राई टू बी ऑर्डरिंग कुछ ना कुछ तो वील हैव टू बी ट्राइंग टू बी थिंकिंग अगर सपोज तुम लोग यूएस से चीनी इंपोर्ट करते हो ठीक है तुम्हारे पास पांच किलो चीनी तो वो पड़ी हुई है तुमको कब न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर आने के लिए भी तो टाइम लगेगा ओके तब तक तुम्हारे पास पांच किलो है दैट शुड बी नफ सो ना आर वेरियस क्वेश्चन इन रियल लाइफ ओके दैट डू मैटर आपको एक सिंपल क्वेश्चन आई लास्क ओके सपोज कोई एक नया प्रोडक्ट तो एमेजोन के ऊपर लॉन्च हुआ तुम लोगों ने वो ऐसा लिखा यू वॉन्टेड टू बाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो तुम लोग तो एमेजोन uh, के ऊपर गए वहां पे वो लिखा हुआ था कि विल बी डिलीवर्ड इन टू डेज ठीक है विल बी डिलीवर्ड इन टू डेज तुमको वो वाला चीज कल ही चाहिए ओके तो दैट मीन्स नाउ यू आर वन डे लेट नो ये समझ में आता है सबको सो सेम थिंग अप्लाईज टू मटीरियल ऑल्सो राइट ओके मटीरियल हम लोग को सही टाइम पर खरीदना चाहिए क्योंकि मटीरियल आने के लिए भी तो टाइम लगता है वी आर गुन टू बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी मटीरियल का कुछ भी इशू तुम्हारे दिमाग के अंदर आ सकता है ना वी आर गुन टू बी डूइंग एवरी नाम इशू ओके वट एवर कैन बी कमिंग इन योर माइंड बी डूंगर के अंदर कवर अप वो नहीं करूंगा आई कवर देम अपनल ताकि यू गेट अ गुड अप्रोच हाउ टू बी टैकलिंग दैट पार्ट ठीक है तो लेट स्टार्ट अवे विद मटीरियल कॉस्टिंग मटीरियल कॉस्टिंग इज कंसर्न विद मटीरियल मैं जो आज का फर्स्ट पार्ट वो कर रहा हूं ना फर्स्ट पार्ट ज ओनली अकाउंटिंग पार्ट ओके एंड दर इज अ वेरी इजी पार्ट सिर्फ अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं मटीरियल्स का हर कंपनी एक अकाउंट बनाता है कॉल्ड एज एस एलसी अकाउंट शायद किसी ने इसका फुल फॉर्म कभी ना कभी वो सुना होगा मेरे को बोलो एस एलसी अकाउंट क्या होता है उसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है इट इज इट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है स्टोर स्लेजर स्टोर स्लेजर स्टोर मतलब मटेरियल होता है ठीक है तो मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं कॉल्ड ए स्टोर स्लेजर कंट्रोल अकाउंट जहां पे अपने को यह पता चलता है कि मटेरियल कितना आ रहा है कितना जा रहा है वगैरह ये वो अभी मटेरियल्स के अंदर तुम्हारी कौशीट के अंदर भी चार चीजें मैं सोच सकता हूं कौन सी चार चीजें सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर केस कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस होगा सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरे को बोलो तो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक मेरे को बोलो मटेरियल्स के साथ और क्या करते हो परचेज परचेज करेंगे तो जब भी रॉ खर, मटेरियल्स खरीदेंगे तो एंट्री जरा सोचो क्या होगा एंट्री विल बी एस एल सी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ओके इफ यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट वरना कैश हो जाएगा ठीक है अब सब लोग मेरे को जरा बोलना एंड एवरीबडी शुड से मेरे को जरा बोलो रॉ मटेरियल्स क्यों खरीदते हो प्रोडक्शन करने के लिए ठीक है प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए एंड रॉ मटीरियल्स अपना फर्स्ट लेक्चर याद करो सब लोग फर्स्ट 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 लेक्चर अपना याद करो रॉ मटीरियल्स इज नॉट ओनली कंज्यूम फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स इट इज ऑल्सो कंज्यूम्ड फॉर बोलो आगे मेकिंग डब्ल्यू आई पी तो जितना भी रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होता है ऐसे जरा सोचो यहां पर ना मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट है मेरा यहां पर स्टोर्स डिपार्टमेंट है स्टोर्स डिपार्टमेंट मतलब वेयर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है जब भी रॉ मटेरियल्स आता है हम लोग इधर डाल देते हैं इधर ना तुम्हारी फैक्ट्री है ठीक है इधर ना तुम्हारी फैक्ट्री है फैक्ट्री बोले तो डब्ल्यू आई पी अकाउंट फैक्ट्री बोले तो डब्ल्यू अकाउंट जब भी फैक्ट्री गुड्स बना रही है उसको मटेरियल चाहिए तो वो लोग स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि भाई हमको मटेरियल भेजो ना यार ओके, तो वो लोग फिर मटेरियल्स भेज देते हैं ठीक है ये जो भी मटेरियल्स है ना दीज आर कॉल्ड एज मटीरियल्स इश्यूड इन आर लैंग्वेज वी ऑल्सो कॉल कंज्यूम्ड तो जब भी रॉ मटेरियल्स इशू होगा तुम लोग जरा सोचो स्टोर डिपार्टमेंट से मटीरियल्स तो बाहर जा रहा है ना ओके okay. बाहर जा रहा है मतलब एस एल सी अकाउंट क्रेडिट होगा और डब्ल्यू आई पी जो है वो डेबिट हो जाएगा ओके डब्ल्यू आईपी डेबिट क्यों होगा डब्ल्यू आईपी बोले तो फैक्ट्री डेबिट द रिसीवर सो दे जितना भी रॉ मटीरियल इश्यू करोगे यहां पर आ जाएगा बाई डब्ल्यू आईपी जितना भी मटीरियल्स ठीक है बस दिस विल बी नथिंग बट बाई बैलेंस कैरी डाउन ओके ये तुम्हारे चार ट्रांजेक्शन हैं जो कॉस्टशीट के अंदर भी पड़े थे दैट इज ओपनिंग स्टॉक उसके बाद परचेजेस उसके बाद इश्यूज और उसके बाद और सॉरी ओपनिंग स्टॉक उसके बाद परचेजेस उसके बाद या इश्यूज या कंजम्पशन आपको जो भी बोलना है एंड दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक यही वाला जो अकाउंट है ना हम लोग क्या बोलते हैं लेट्स मेंटेन इट स्लाइटली इन अ डिटेल्ड मैनर तो यही वाला एस एल सी अकाउंट जो होता है ना इन रियालिटी ऐसे प्रिपेयर होता है कैसे हम लोग यहां पर डेट का कॉलम बनाएंगे हम लोग यहां पर एक रिसीट्स का कॉलम बनाएंगे शायद किसी ने यह वाला स्ट्रक्चर पहले देखा हो अगर किसी ने देखा है तो मेरे को बोलो रिसीट्स के बाद क्या आता है इश्यूज आता है और उसके बाद लास्ट के अंदर यहां पर बैलेंस आ जाएगा हर एक जगह पे क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट आ जाएगा ठीक है इन दिस पर्टिकुलर केस जब भी रॉ मटेरियल खरीदोगे तो इधर लिख देने का जब भी रॉ मटेरियल इश्यू होगा तब इधर लिख देने का ऑब्वियसली योर बैलेंस इज नथिंग बट योर बैलेंसिंग फिगर दैट्स इट ठीक है अभी वन क्वेश्चन दैट ऑलवेज अराइजेस इज दैट एंड दैट इज अ फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे सर रिसीट का मतलब क्या होता है मेरे को जरा बोलो स्टोर्स डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कब रिसीव करेगा जब वो परचेस करेगा परचेस करेगा ठीक है पर्चेस मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है ना दैट इज हाउ टू गेट दिस पर्टिकुलर रेट ओके ये बोलते हैं, सर दिस रेट इज अ परचेज रेट द रेट एट विच यू परचेज सर परफेक्ट अगर कभी ये वाला रेट नहीं दिया हुआ दे आर टू थिंग्स एट वी विल हैव टू बी डूइंग विच टू थिंग्स सर अमाउंट लेंगे और क्वांटिटी से डिवाइड कर लेंगे ओके okay, तो ठीक है वही वाला काम करेंगे अमाउंट का मतलब क्या होता है क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यूजुअली अपने दिमाग में ये वाला चीज होता है सर अमाउंट बोले तो टोटल परचेस कॉस्ट ठीक है और सर क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी परचेज ऐसा नहीं होता ठीक है आई एम अबाउट टू टेल यू द ग्राउंड रियालिटी ठीक है इन रियालिटी टोटल परचेस कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आते हैं वो लिखेंगे क्वांटिटी परचेज के अंदर क्वांटिटी परचेज के बदले में यहां पर क्या आता है इट इज समथिंग लाइक क्वांटिटी परचेज बट नॉट एग्जैक्टली क्वांटिटी परचेज ठीक है तो मैं अभी तुमको क्या बताने जा रहा हूं टॉपिक का नाम जरा वो सुनना एट वट रेट एट वट रेट रॉ मटीरियल शुड बी एंटर्ड इन एसएलसी अकाउंट ठीक है ये वाला रेट कहां से आता है अगर ये वाला रेट चाहिए तो मेरे को आपको ये वाला चीज भी समझाना पड़ेगा ये वाला चीज भी समझाना पड़ेगा मैं तुम लोग को वही वाला चीज वो समझाने जा रहा हूं तो सबसे पहले टोटल परचेज कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है तुमको ना उनमें से दो चीजें मालूम है ओके लेकिन बाकी चीजें मैं बताने वाला हूं ठीक है सुनो तो टोटल परचेज कॉस्ट टोटल परचेज कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है फर्स्ट दैट इंक्लूड बेसिक नेट परचेज कॉस्ट बेसिक नेट परचेज कॉस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये शायद मैंने तुम लोगों को के अंदर भी बताया था मैं अपने सप्लायर के पास गया मैंने बोला भाई ये वाला यूनिट तो कितने का देगा बोलता दस रुपए का देगा मैंने बोला थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह तो दे बोलता अगर तू एक बारी में मुझसे हजार यूनिट खरीदेगा ना फिर मैं तेरे को हर एक यूनिट दस रुपए के बदले में नौ रुपए का दे दूंगा दैट इज माई बल्क डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर यू मैंने बोला चल ठीक है तू सामान बांधना यार सो दे फोर थाउजेंड इंटू नाइन रुपीज माई नेट बेसिक परचेस कॉस्ट विल बी कितना रुपीज नाइन थाउजेंड दुनिया में ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई एंट्री नहीं होता है बिकॉज वी ऑलवेज रिकॉर्ड नेट फिगर तुमको याद है कि हम लोगों ने कौशिक के अंदर ऐसा किया हुआ ओके okay. तो जो भी एंट्री पास होती है ना हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही होती है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर ही होती है ठीक है दिस इज योर बेसिक नेट परचेज कॉस्ट ठीक है अभी मैंने सप्लायर को बोला सामान बांध और फैक्ट्री के अंदर पहुंचा देना बोलता साहब डिलीवरी का ना पांच सौ रुपया एक्स्ट्रा जाएगा बोला क्या बात कर रहे हैं बोलता सर चलो आपके लिए साढ़े चार सौ कर देता हूं ऑब्वियसली तुमको समझ में आएगा दिस साढ़े चार सो इज ऑल्सो माइ कॉस्ट नो आई एम दायर ओके याद रखना आप लोग सब कुछ मेरे एंगल से सोचना गुड्स टू द फैक्ट्री गेट विल बी इंक्लूडेड एस पार्ट ऑफ योर परचेज कॉस्ट ये वाला भी चीज हम लोगों ने कॉस्टशीट के अंदर बात किया था वन एग्जाम्पल ऑफ दैट विल बी समिंग आई कैरिज इन बर्ड ओके तो उसने मेरे को साढ़े चार सौ रुपए बोला मैंने बोला डिलीवर कर देना उसने बोला चलो ठीक है साहब डिलीवर तो मैं कर ही दूंगा मेरे को पूछता सर आपका घर किधर है मैंने बोला मैं मुंबई में इस जगह पर रहता हूं बोलता साहब बीच में ना टोल भी आएगा वो टोल का पैसा आपको देना पड़ेगा वो नहीं देने वाला ओके तो ऑब्वियसली वो जो टोल वाला भी खर्चा है ना दैट इज समथिंग लाइक एक्सपेंस इन कर टू ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री के बेसिकली टोटल परचेज कॉस्ट के अंदर मेरे जो भी सारे के सारे खर्चे हैं ना वो आप लोग इंक्लूड कर दो जो भी खर्चे हो सकते हैं ठीक है यही वाली चीज तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ है तो सुनो वॉट ऑल इज इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल नेट बेसिक परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल वो कैसे मिलता है ग्रॉस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी में जीएसटी के बारे में बात करेगा लेस ट्रेड डिस्काउंट ठीक है उसके बाद आगे एनी एक्सपेंसिस इनकर्ट टू ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री गेट मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो रखे हुए कैरेज इनबर्थ ठीक है अगर वो लॉरी वगैरह से गुड्स आए तो रेलवे फ्रीट अगर रेलवे से भेजे तो और अगर वो वाला जो पैसा है मैं बेयर करने वाला हूँ शिपिंग चार्जेस अगर सपोज गुड्स कोई फॉरेन कंट्री से शिप से आए तो वो भी तो अपना खर्चा ही है टोल टैक्स रोड टैक्स कोई भी खर्चा जो भी आपको बेयर करने का all those things will be coming over here, है ऑल दो थिंग्स विल बी कमिंग ओवर हियर ठीक थर्ड कमीशन पेड टू ऑफ गुड्स ओके या फिर कमीशन पेड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स तो उसका मतलब क्या है अभी ये वाला जो सप्लायर है ना मेरे डायरेक्टली टच के अंदर वो नहीं था ओके मैं एक एजेंट के पास गया था ओके इन हिंदी वी समटाइम्स कॉल्ड आंगड़ियाज आई आई डोंट नो यू ऑल नो नॉट वी विल यूज सम बेटर वर्ड्स वी विल यूज सम सम बेटर बेटर वर्ड्स यूज वर्ड्स इन लाइफ ओके तो इन दैट केस नो अभी आई वेंट टू सम पर्टिकुलर पर्सन उस बंदे ने मेरे को इस बंदे से मिलाया था वो बोलता साहब जितना भी आपका ट्रांजेक्शन का वैल्यू होगा उसका वन परसेंट आपको मेरे को कमीशन तो वो देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली मेरा जो कॉस्ट है वो तो बढ़ ही जाएगा ना यार ओके सो दे दिस विल बी नथिंग बट कमीशन हो गई है जितना भी कमीशन आप लोग पे uh, वो करने वाले हो ठीक है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी थिंकिंग कि भाई मेरा टोटल कॉस्ट कितना है ठीक है तो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री ठीक है आगे लेस सब्सिडी ग्रांट और इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द गुड शुड बी रिड्यूस्ड अभी कई बार क्या होता है अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना कई चीजों के लिए अपने को इंसेंटिव देता है टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल अभी इलेक्ट्रिक वहीकल्स वन डे विल बिकम अ रियालिटी ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बिकम अ रियालिटी बट टिल नाउ जो बैटरीज जाती हैं ओके इलेक्ट्रिक कार्स के लिए दोज आर वेरी एक्सपेंसिव दो नॉट मेड इन इंडिया दोज आर इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड सपोज गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम निकाला कि आप बाहर से मंगवा लो बट वी विल रीबर्स यू ट्वेंटी परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ दैट बैटरी ओके ताकि इन दिस केस इलेक्ट्रिक वहीकल्स कैन बिकम मोर इन इंडिया अगर ऐसा है तो तुमको समझ में आएगा मेरा कॉस्ट उतने से कम हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को थोड़ा सा इंसेंटिव देगा इसके ठीक okay? yes, yes, है तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट अब मैं आगे चल रहा हूं यह फोर्थ पॉइंट भी हो गया फिर उसके बाद फिफ्थ अभी ये समझ लेना

GST जीएसटी पहले आ, इंडिया के अंदर जब तक GST नहीं होता था उसके बदले में बहुत सारे एक्ट होते थे मेरे को एक या दो एक्ट के नाम बताओ जब तक GST नहीं होता था एक सेल्स टैक्स होता था एक एक्साइज ड्यूटी होता था फिर उसके बाद एक आपका एक सर्विस टैक्स होता था तो ये सबको वो कंसोलिडेट करके तो एक एक्ट आ गया कॉल्ड एज जीएसटी अभी जरा सोचो वो बंदा मेरे को जीएसटी चार्ज करेगा फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल जब तुम लोग हमको फीस पे करते हो हम लोग तुमको अठारह परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज वो करते हैं ना फॉर द जीएसटी अमाउंट फॉर यू दैट जीएसटी इज अ कॉस्ट और नॉट मेरे को बोलो yes, अभी तुम लोग कभी ये थोड़ी सोचोगे सर आर फीस इज फिफ्टी थाउजेंड नो इट इज फिफ्टी थाउजेंड प्लस जीएसटी सो दैट्स योर कॉस्ट ओके सो एनी एक्साइज ड्यूटी ओके और एनी जीएसटी और एनी फॉर्म ऑफ टैक्सेज और एनी फॉर्म ऑफ ड्यूटी विच आर बोर्न बाय द बायर ऑफ द गुड्स एनी थिंग ओके इट कुड बी से अगर तुम लोग फॉरन से गुड्स मंगवा रहे हो तो तुमको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है जीएसटी हैजेंड रिप्लेस कस्टम ड्यूटी ओके okay? तो जीएसटी भी है कस्टम ड्यूटी भी है एंड बोथ दी थिंग्स यू ऑल विल बी स्टार्टिंग इन सी ए फाइनल ऑल्सो ऑल दो जो जीएसटी वाला पार्ट है वो तो इंटरसीए के अंदर भी है तो एनी एक्साइज ड्यूटी एनी जीएसटी मैं एक्साइज ड्यूटी इसलिए वो बोल रहा हूं आई नो दैट इट इज नॉट देयर नाउ बट यू ऑल माई नॉट बी नोइंग इट इज स्टिल देयर ऑन पेट्रोल ओके ऑन पेट्रोल योर जीएसटी डज नॉट कम इट इज स्टिल योर एक्साइज ड्यूटी बेसेज सो पेट्रोल इज अली एक्सेप्शन फॉर सच सच काइंड ऑफ थिंग्स तो मैं इससे बोल रहा हूं बट एनी टैक्सेस और एनी ड्यूटी टू बी बोर्न बाई द गुड शुड बी इंक्लूडेड मेरे को सब लोग जरा बोला यहां तक इट इज ऑल ओके पांच पॉइंट क्योंकि yes, अभी six, क्योंकि अभी सिक्स पॉइंट के अंदर कुछ अजीब होगा सुनो अभी जरा ध्यान से एनी थिंग दैट इज नो 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 तो एनी थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट ओके एनी टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट शुड बी रिड्यूस्ड इफ इट विल बी क्लीम्ड एज अ क्रेडिट अभी उसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना जरा प्लीज ध्यान से सुनना अभी एक सिंपल एग्जाम्पल में देता हूं अभी तो जीएसटी है सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी ओनी इट विल बी फॉर 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 बेटर देखो अभी तुम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा ठीक है तुम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा जब रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके ऊपर जीएसटी पे किया ना यार तो ऑब्वियसली दिस इज माय टोटल कॉस्ट दिस इज माय टोटल कॉस्ट दिस इज माय टोटल कॉस्ट अभी तक जो जीएसटी है वो तो मेरा कॉस्ट ही है ना यार ओके लेकिन जरा सोचो मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया और फिर उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया ठीक है मैंने फिनिश गुड्स के ना कन्वर्ट कर दिया अभी जब मैं फिनिश गुड्स के ना उसको कन्वर्ट करूंगा उसके बाद मैं फिनिश गुड्स बेचूंगा जब मैं फिनिश गुड्स बेचूंगा तो मेरे को फिर से जीएसटी पे करने का है टू द गवर्नमेंट ओके तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा इन दिस पर्टिकुलर केस यही वाला एग्जांपल अभी तुमको थोड़ा सा और पॉलिश करके तो वो देता हूं सुनो अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं इन रेफरेंस टू माई इंडस्ट्रीज ठीक है मैं का एक बुक जब प्रिंट करवाता हूं ना इट कॉस्ट मी करवाऊजेंड रुपीज अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड रुपीज तो मेरा जो पब्लिशर है जो प्रिंटिंग प्रेस है मेरी जो बुक वगैरह जो पब्लिश वो करती है ओके जो हमारी बुक्स वगैरह वो प्रिंट करती है अभी वो मेरी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है ही इज अ सप्लायर ओके वो मेरे को बोलता है साहब आई विल बी चार्जिंग यू थाउजेंड रुपीज पर बुक एज प्रिंटिंग कॉस्ट मैंने बोला थैंक यू बोलता साहब जीएसटी तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मैंने बोला जीएसटी uh, का रेट कितना है बोलता है, सर बारह परसेंट ओके तो मैं उसको एक बुक के लिए कितना रुपीज वो देने वाला हूं वन वन टू जीरो अभी तक एजे का अभी तक अनुज का कॉस्ट कितना है वन वन टू जीरो ठीक है लेकिन अब जरा सोचो बराबर से सुनना जरा प्लीज उसके बाद वी आर डूइंगस ऑल्सो तुम लोग को फीस चार्ज करता हूं सी दैट योर फीस इज सीएस तो सिक्सटी थाउजेंड प्लस जीएसटी कम्स टू सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है वन वन टू जीरो इंटू नंबर ऑफ बुक्स तो फीस जो है तो सेवनटी थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है तुमको ये चीज समझ में आएगा ये जो जीएसटी वाला पार्ट है ना ये दस हजार आठ सौ रुपए का है क्योंकि दिस पर्टिकुलर थिंग वो एटीन परसेंट ठीक तो सिक्सटी थाउजेंड का एटीन परसेंट मैंने करेक्ट ही कंप्यूट किया ना एक सेकेंड तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू एटीन परसेंट हाँ तो दस हजार आठ सौ रुपया ठीक है अभी पहले मेरे को जरा बोलो ये दस हजार आठ सौ क्या मेरी जेब में आएगा कलेक्टेड फ्रॉम यू एन आई टू द गवर्नमेंट ठीक है तो क्या हुआ मैं ना ये वाला जो तुम लोगों से फीस वगैरह है वो कलेक्ट किया और फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं ये दस हजार आठ सौ रुपए का ना आप जीएसटी मुझसे ले लो पर स्टूडेंट वो लोग मेरे को क्या बोलते हैं नहीं साहब आप हमको दस हजार आठ सौ मत दो क्यों इसके अंदर से आप वन ट्वेंटी रुपीज ऑलरेडी हमको पे कर चुके हो मैंने उनको बोला कि मैंने तेरे को थोड़ी पे किया मैंने सप्लायर को पे किया बोलता लेकिन आपने सप्लायर को पे किया और सप्लायर ने कुछ आगे बोलो कोई कोई पे तो गवर्नमेंट को गर्मेंट पे, गर्मेंट पे गर्मेंट कर दिया तो तुमको ये चीज वो समझ में आएगा यू कांट पे एटीन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट बोथ ओके दैट अमाउंट्स टू डबल टैक्सेशन क्योंकि मेरी सर्विस के अंदर मटेरियल कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है कोई समझा जो मैं बोला तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक प्रोविजन दिया हुआ है क्या प्रोविजन तो वो है? दिया हुआ है कि मैं यहां पर मैं यहां पर जब भी तुम लोगों से फीस कलेक्ट करूंगा उसका जो जीएसटी पार्ट है उसका जो जीएसटी वाला पार्ट है वो मैं गवर्नमेंट को देने के लिए जाऊंगा ठीक है जो ऐसा वाला पार्ट है वो मैं गवर्नमेंट को देने के लिए जाऊंगा लेकिन गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है जो आपने ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स के ऊपर भर के रखा हुआ है ना उतना अमाउंट आप इसके अंदर से लेस कर दो और आप बैलेंस अमाउंट आप हमको दे दो तुमको यह वाला चीज वो समझा वी कॉल सच थिंग्स एज अ प्रोविजन ऑफ इनपुट क्रेडिट वी कॉल देम एज अ प्रोविजन ऑफ इनपुट क्रेडिट एग्जाम्पल के तौर पे द सेम थिंग वी ऑल ट्राई टू बी डूइंग फॉर अ प्रोफेसर ऑल्सो ओके अभी एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट एन एग्जाम्पल ठीक है मेरा सपोज कोई साल का कलेक्शन टेन करोड़ प्लस जीएसटी हुआ ठीक है से अठारह परसेंट का जीएसटी सो दे पॉइंट एट करोड़ इलेवन पॉइंट एट करोड़ तो इतना मेरा फीस कलेक्शन हुआ तो इतना मेरा फीस का कलेक्शन हुआ मेरा ना उतना फीस वगैरह वो कलेक्ट हुआ ठीक है अभी इन दिस पर्टिकुलर केस में प्रोफेसर लोगों को भी फीस वगैरह तो दूंगा ना यार ओके कोई मेरा एक प्रोफेसर था इन दिस केस उसको मैं ना थर्टी लाख रुपीज का पैकेज देता हूं जब मैं उसको थर्टी लाख रुपीज वो देता हूं उसके अलावा मैं उसको जीएसटी भी कॉम्पनसेट करता हूं ठीक है आई हैव टू पे हिम दैट जीएसटी अमाउंट also. ही इज प्रोवाइडिंग me सर्विस आई हैव टू पे हिम द the GST. टी तो इन दिस केस जो मैं तुम लोगों से कलेक्ट करूंगा ना ठीक है वो मेरे को गवर्नमेंट को देने का है लेकिन उसके अगेंस्ट जो मैं प्रोफेसर को पे करूंगा ना वो वाला जो अमाउंट है वो यहां से लेस हो जाएगा तुमको समझा एंड नेट अमाउंट आई विल बी पेइंग सच दिस इज डन ताकि डबल टैक्सेशन कैन बी अवॉइडेड नाउ लेट मी ब्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको ये वाला चीज तो कैसे काम में आएगा सुनो इन दिस केस नो मैं सबसे पहले रॉ मटीरियल्स खरीदता हूं तो मैं उसके ऊपर जीएसटी पे करता हूं ओके okay. मेरे को बोलो यहां तक इट इज ऑल ओके ठीक yes, है yes, अभी उसके बाद yes, वो वाला रॉ मटेरियल आई विल यूज इन माय फैक्ट्री एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स वेन एवर आई विल कन्वर्टेड इन टू फिनिश गुड्स एंड आई विल सेल आई विल अगेन चार्ज द जीएसटी टू माई कस्टमर ओके तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर क्या हो जाएगा जब मैं मेरे कस्टमर को जीएसटी चार्ज करूंगा तो कस्टमर मेरे को वो जीएसटी देगा वो वाला जीएसटी मेरे को गवर्नमेंट को देने का है ओके लेकिन गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है कि इस जीएसटी के अंदर से तो तुम लोग आगे बोलो जो, जो रॉ मटेरियल के ऊपर जो जीएसटी तुमने पे किया था ना वो वाला चीज का तुम सेट ऑफ ले लो और तुम बैलेंस हमको दे दो इज दिस प्रोविजन ओके सर। बस दिस इज डन ताकि दुनिया के अंदर क्या चीज वो ना हो डबल टैक्सेशन यू यू कैन नॉट पे टैक्सेज ऑन रॉ मटीरियल ऑल्सो एंड ऑन फिनिश गुड्स ऑल्सो बेटा द रॉ मटीरियल फॉर्म्स पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स नो, तो मैं दो दो बार टैक्सेस क्यों यार वो भरू ओके okay, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो तूने रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी भरा था ना तू उसको क्रेडिट के तौर पर तो वो ले ले मतलब उतना तू डिडक्ट करके हमको बैलेंस पे कर दे ये वाली स्कीम जब इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम आई थी इट वाज कॉल्ड एज मॉड स्कीम मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स 1996 या 7 के आसपास इट बिकेम अ बैट स्कीम सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लेटर ऑन इन सम अदर कंट्रीज इट केम इट केम टू बी नोन एज अ वैक्स स्कीम तो वैल्यू एडेड टैक्स नाउ इट इज कॉल्ड एज अ इनपुट क्रेडिट स्कीम तो जरा सोचो जो मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी पे किया था मेरे को बाद में कभी ना कभी उसका बेनिफिट तो मिल जाएगा ना yes, तो अगर तेरे को बेनिफिट मिल जाएगा तो फिर आप उसको लेस कर दो एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स के ऊपर जो जीएसटी है मेरे को अखड़ता नहीं है मेरे को बोलो क्यों नहीं अखड़ता है क्योंकि बाद में मैं उसको लेस कर देगा एंड बैलेंस अमाउंट आई पे यू सम अदर एग्जाम्पल ओके जिस चीज का क्रेडिट वो नहीं मिलता अभी इंडिया के अंदर एक रूल है ओके शायद तो वो मालूम हो रेस्टोरेंट्स वगैरह को ना रेस्टोरेंट्स वगैरह को जीएसटी फाइव परसेंट के हिसाब से लगता है यू ऑल नो दिस ओके उनको पांच परसेंट के हिसाब से तो वो लगता है अभी गवर्नमेंट ने ना पांच परसेंट इज देयर लोएस्ट रेट इट इज देयर लोएस्ट रेट ऑन लोएस्ट रेट गवर्नमेंट क्या बोलता है हम लोग रेट कम कर रहे हैं लेकिन ना अभी इसका तुमको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा ओके okay. तो उसका मतलब क्या है अगर सपोज तुम सब लोग पास हो गए ओके okay? तुम सब लोग पास हो गए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने तुमको बोला कि मुंबई आ जाओ ओके okay? मैं तुम लोग को ग्रैंड मराठा के अंदर पार्टी देगा ओके okay? नहीं ग्रैंड मराठा वहां पे 28 परसेंट का आता है मैं तुमको एक छोटा सा हमारी क्लास के बाजू में एक राम निवास करके एक वो होटल है मैं उधर तुमको पार्टी देगा ओके okay? वो छोटा सा होटल है अभी तुम लोग को मैंने वो पार्टी दिया तुम लोगों ने वो बुखड़ों की तरह तो वो खाना खाया ठीक है मेरा एक लाख रुपए का उधर बिल आया उसके ऊपर उस बंदे ने फाइव थाउजेंड रुपीज बोले तो पांच परसेंट का जीएसटी चार्ज किया ओके तो टोटल तो बिल फॉर मी वाज वन लाख फाइव मेरे को जरा बोलो अभी मैं अभी ये वाले पांच हजार रुपए का बेनिफिट नहीं ले पाएगा तो दैट टाइम फाइव थाउजेंड रुपीज विल बी माई कॉस्ट नो तुमको समझा तो पहले आप लोग क्या कर सकते हो यहां पे आप लोग जो आप रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी पे करोगे वो आप लिखो अगर बाद में उसका क्रेडिट मिलने वाला है अगर बाद में उसका क्रेडिट मिलने वाला है तुमको क्रेडिट का मतलब समझा सब लोगों तो अगर उसका क्रेडिट वो मिलने वाला है फिर आप उसको बाद में लेस कर देना क्यों क्योंकि अगर बाद में उसका क्रेडिट मिल गया मतलब अब वो मेरा कॉस्ट है ही नहीं क्योंकि मेरे को उसका बेनिफिट मिल गया ओके अभी ना आ, बहुत पुरानी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी ओके आई कैन ट्राई टू रिलेट बिट टू दिस पर्टिकुलर थिंग वेन आई एम स्पीकिंग वो स्कीम कुछ ऐसी थी अगर तुम लोग फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करो ध्यान से सुनना अगर तुम लोग फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करो तो जब आप इंपोर्ट करोगे आप लोगों को क्या पे करना पड़ेगा बोलो मेरे को सोच सोच के बोलो कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी दैट इज पार्ट ऑफ योर कस्टम ड्यूटी ठीक है दूर्ट दूर्ट duty, दूर्ट duty, तो आप लोग इंपोर्ट ड्यूटी जो है आप पे करोगे जब आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे तो वो मेरा कॉस्ट है मैं उसको यहां पर वो लिखूंगा ठीक है क्योंकि अभी तक वो वाला खर्चा जो है वो मेरी जेब से गया यार आई हैव पेड फॉर द इंपोर्ट ड्यूटी तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक स्कीम दिया था वो स्कीम क्या था अगर ये वाला रॉ मटेरियल आप यूज करो फॉर प्रोडक्शन जो आपने इंपोर्ट किया जिसके ऊपर आप लोगों ने कस्टम ड्यूटी दिया ठीक है अगर वो वाला मटेरियल आप उसको यूज करो फॉर प्रोडक्शन एक बार प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया फिर उसके बाद जब आपके गुड्स बन जाएंगे आप उन गुड्स को रीएक्सपोर्ट करो तो जो आप लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग विल बी गिवन टू यू एज अ कैश बैक तुमको स्कीम समझा yes, तो अगर वो वाली स्कीम yeah. अगर वो वाली स्कीम इंडिया के अंदर आज भी होती वो कभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुई बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द कस्टम डिपार्टमेंट ओके लेकिन अगर वो वाली स्कीम इंडिया के अंदर आज भी होती तो जब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा मैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करूंगा और अगर वो वाले गुड्स में यूज करके इंडिया में फिनिश गुड्स बनाऊं और वो फिनिश गुड्स को री एक्सपोर्ट कर दू तो मतलब फिर जो मैंने कस्टम ड्यूटी तब दिया था जब मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा गवर्नमेंट मेरे को वो वाला पैसा वापस दे देगा तो फिर अल्टीमेटली मेरे को उसका रिफंड तो मिल ही गया ना तो वो मेरा कॉस्ट नहीं रहा इज जस्ट अंडरस्ट ओके सो दीज आर फ्यू स्कीम्स दैट आर यार प्लीज लिसन वेन एवर आई एम सींग आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू टू स्लो यार आई एम ट्राइंग टू स्पीक वेरी स्लो इफ यू इम्पोर्ट द रॉ मटीरियल्स इफ यू इम्पोर्ट द मटीरियल्स दैट टाइम यू विल बी पेइंग द कस्टम ड्यूटी तो अभी तक वो अपना कॉस्ट है यहां पर इंक्लूड करेंगे अगर उसके बाद मैंने वो वाले गुड्स re-export किए तो जो मैंने कस्टम ड्यूटी पहले दिया था गवर्नमेंट विल गिव मी एज अ रिफंड रिफंड मतलब मेरे लिए अभी वो कॉस्ट बचा नहीं क्योंकि मेरे को उसका बेनिफिट वो मिल गया बिकॉज आई गॉट द मनी बैक तो इन दैट केस वो वाला अमाउंट हो जाएगा इन शॉर्ट आई एम ओनली सींगन सिंगल आप लोग कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस या ड्यूटीज होंगे ना कोई भी कोई भी कोई भी वो सब इंक्लूड कर देना ठीक है अगर बाद में आपको उसका सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट क्रेडिट वो मिल जाएगा ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन दिस केस Will be reduced from here. और हर चीज का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है डूर में अभी अभी किस चीज का इनपुट क्रेडिट वो नहीं मिलता है जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ठीक है थेके? तो उनके बिल्स के ऊपर अपने को जो इनपुट क्रेडिट वो है वो नहीं मिलता है ठीक है चलो यह हो गया तुम्हारा इन दिस केस पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फाइव ठीक है पॉइंट नंबर सिक्स मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है लेस क्रेडिट ऑफ अब टैक्सेस इफ इट इज टू बी रिसीव मैंने अभी अभी वो वही बोला ठीक है सेवन कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल पैकिंग और कंटेनर्स मेरे ना जो गुड्स थे ना वो फॉरेन से आ रहे थे मैंने मेरे सप्लायर को बोला बराबर से पैक करके भेजना एक भी यूनिट अगर टूटा ना तो तू भी टूटेगा बोलता साहब ठीक है बोलता साहब लेकिन ना पैकिंग के लिए मैं पांच हजार रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेगा मैं बोला चल ठीक है लेकिन सॉलिड पैक करके भेजना वुडन बॉक्सेस के अंदर भेजना एक यूनिट नहीं टूटना चाहिए ओके okay. बोलता साहब आई विल इंश्योर दैट तुमको समझ में आएगा दैट पांच हजार रुपया अल्टीमेटली टू मी नो वो मेरा ही खर्चा है ना सो देोर दैट विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज दिस ओके फॉर एवरीबडी ठीक है यू इंक्लूड ऑल योर कॉस्ट यार तुम्हारा जो भी खर्चा है सब इंक्लूड करो मैं बस तुम लोग को यहां पे टोटल खर्चे गिना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं ठीक है लेकिन एक छोटा सा चीज वो वाले गुड्स ना इंडिया में आ गए बराबर से पैक थे तो वुडन कार्टन के अंदर वो कार्टन आए मेरी फैक्ट्री के अंदर मैंने मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट के लोगों को बोला भाई इसके अंदर से मटेरियल वगैरह जो है आप वो निकाल लो उन लोगों ने निकाल लिया निकाल लिया नाउ दो वुडन बैक वुडन बॉक्स नो यूज मैंने एक स्क्रैप वाले को बुलाया मैंने बोला ये तू लेके जा बोलता साहब आपको पांच रुपया पर बॉक्स आई विल पे यू ओके मैंने बोला चलो ठीक है ऑब्वियसली जितने भी बॉक्सेस होंगे इंटू पांच रुपया वो वाला अमाउंट जो है यहां से लेस हो जाएगा ओके इज इज ओके तो पहले पांच हजार रुपया इज माय कॉस्ट ओके उसके बाद मेरे को यहां पर जो भी अमाउंट तो वो मिलेगा दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम हियर वो जितना भी है फॉर अ स्मॉल एग्जांपल अगर सपोज पचास बॉक्सेस थे तो पचास बॉक्स इंटू पांच रुपया तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी अपने को यहां पर वो ढाई सौ रुपये वगैरह तो वो मिलता है ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स यू ऑल कैन रिड्यूस फ्रॉम हियर दैट्स इट ओके वो टू हंड्रेड फिफ्टी ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा काम ये सब कुछ करने के बाद जो आता है ना दिस इज योर परचेज कॉस्ट तो जब मैंने यहां पर वो बोला ना तुम्हारा ये वाला अमाउंट सो दिस अमाउंट इज नॉट वन सिंगल फिगर बेटा दिस पर्टिकुलर फिगर इज मर्जर ऑफ मेनी 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 फिगर्स इट इज योर मैं एक बार रिपीट करता हूँ फटाफट नेट बेसिक परचेज कॉस्ट एनी एक्सपेंसिस इनकर टू ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री गेट एनी कमीशन वगैरह पेड फिर उसके बाद एनी इनडायरेक्ट टैक्सेज और ड्यूटीज विच आर टू बी बोर्न बाय द बायर अगर उनका सेट ऑफ बेनिफिट अपने को मिल जाएगा तो आप लेस कर दो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव वगैरह वो मिलने वाला है और तुम्हारा कॉस्ट कम होने वाला है आप वो भी लेस कर दो फिर उसके बाद जो भी पैकिंग कॉस्ट है दैट इज योर कॉस्ट अगर वो बेच के कुछ पैसा आएगा इन दैट पर्टिकुलर केस वो यहां से कम हो जाएगा इज दिस ऑल ओके ठीक है अगर ऐसा क्वेश्चन वो आएगा ना तकरीबन छह माह के लिए आएगा लेकिन मैं अपना जो लास्ट स्टेटमेंट था ना कंटेनर्स वाला थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूं ओके इन दिस केस नो मैंने मेरे सप्लायर को बोला भाई तू ना गुड्स बराबर से वो भेज देना ओके बोलता साहब हमारा एक पॉलिसी है हम लोग जब आपको गुड्स वो भेजेंगे ना हमारे अपने कंटेनर्स होंगे ठीक है वो कंटेनर्स आर स्पेश मेड फॉर डिलीवरी ओनी इन दिस केस वी विल सेंड यू द मटेरियल्स इन दोज कंटेनर्स आपके वहाँ पे डिलीवरी होगी फिर जो मेरा ट्रक डिलीवरी के लिए आएगा ना वो वाले कंटेनर्स वो वापस लेकर जाएगा ताकि वी कैन यूज देम फ्रॉम फॉर द अदर ऑर्डर्स ऑल्सो मैंने बोला थैंक यू दीज आर कॉल्ड एज रिटर्नेबल कंटेनर्स दीज आर कॉल्ड मेरे को जरा बोलो रिटर्नेबल कंटेनर्स के लिए क्या आप कुछ पे कर रहे हो नो no. तो देन इट इज नॉट योर कॉस्ट ओनली तो तब ये वाला जो पॉइंट है कभी यहां पर वो आएगा ही नहीं फॉर स्मॉल एग्जाम्पल कभी तुम लोगों ने तुम्हारी बिल्डिंग या घर के लिए पानी का टैंकर मंगवाया तो पानी का टैंकर जब ही आता है यू ऑल पे फॉर द वॉटर और यू ऑल पे फॉर द ट्रक वॉटर ना वो जो ट्रक है इट इज लाइक अ कंटेनर नो दे टेक द ट्रक बैक नो ओके इट्स नॉट दैट ट्रक आल्सो यू विल बी कीपिंग एट योर हाउस ओनली ओके इट इज अ रिटर्नेबल कंटेनर ओके एट दैट टाइम इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर यू ओके तो अगर रिटर्नेबल कंटेनर होगा प्लीज इग्नोर माई डिस्कशन ओनली माई डिस्कशन विल ओनली अप्लाई इफ यू आर गोइंग टू बी पेइंग फॉर द पैकिंग इज इज ऑल ओके Yes, चलो थैंक यू थैंक यू सुन मेरा ये वाला जो काम है ये हो गया ठीक है अच्छा और इसी के साथ ना तुमको एक और चीज भी बोलता हूं मैंने जब यहां नेट वर्ड लिखा मेरे को बोलो मैंने नेट वर्ड के लिए तुमको क्या बोला क्या लेस करने का समबडी कैन आस्क मी सर कैश डिस्काउंट का क्या होएगा अभी एक चीज बोलता हूं बराबर से सुनना को जरा बोलो तुम लोगों ने आज तक इलेवेंथ स्टैंडर्ड से अभी तक कभी भी कैश डिस्काउंट रिसीव्ड वाली कोई एंट्री की है आज तक आज तक ये ना यार क्या बात करता है यार फाइनल अकाउंट्स के हर एक क्वेश्चन के अंदर आता होगा ठीक है मेरे को जरा बोलो तुम लोग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड किधर दिखाते हो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है ठीक है अभी एक लाइन बोलता हूं कई लोगों को वो बाउंसर जाएगा पक्का कई लोगों को समझ में वो आई जाएगा जिनको नहीं समझ में आएगा अकाउंट बना के फिर समझाऊंगा आई एम ट्राइंग टू टेल यू वॉट इज माई कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल ठीक है अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे को अलग से क्रेडिट साइड पे दिखाने का है ना तो फिर आप उसको अपनी कॉस्ट के अंदर से मत लेस कर रहा खतम हो गया मेरी बात क्योंकि कोई सर अगर मैंने लेस कर दिया तो, अगर मैंने मैंने लेस लेस कर कर दिया दिया तो इट विल बिकम लाइक ट्रेड तुमको क्यों नहीं सिखाई रिकॉर्ड क्योंकि यू ऑलवेज रिकॉर्ड नेट फिगर अगर तुम लोग नेट फिगर ही रिकॉर्ड करते हो अगर तुम लोग नेट फिगर ही रिकॉर्ड करते हो तो ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया अलग से कोई एंट्री नहीं आएगी लेकिन कैश डिस्काउंट रिसीवड की आगे बोलो आगे बोलो अलग से एंट्री आती है अगर अलग से एंट्री आती है तो आप उसको इस सारी कॉस्ट के अंदर से कुछ भी लेस वगैरह नहीं करना अगर किसी को भी ये वाला चीज वो नहीं समझा एक सिंपल चीज आई एम ट्राइंग टू बी सेम सपोज ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और ये मेरा पीएनएल अकाउंट ठीक है दस रुपए का माल एक रुपए का ट्रेड डिस्काउंट काट के मेरे को नौ रुपए में मिला तुम्हें तो परचेज कॉस्ट मेरा जो है वो नौ रुपए का है मैं मैन्युफैक्चरिंग मैं अकाउंट के डेबिट साइड में नौ रुपया लिख देगा सप्लायर ने मेरे को बोला था कि ना पचास पैसे का कैश डिस्काउंट और देगा अगर अभी अभी पैसा देगा तो वो जो पचास पैसा है तुम लोग बोलो ना मैं क्या समझाऊं तुमको पी मैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अलग से दिखाऊंगा मतलब यहां पर नौ रुपया बिल रिमेन नौ ठीक है तो समझ में आ गया तो एनी कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी इग्नोर्ड फ्रॉम योर डिस्कशन ओनली वो वाली चीज अपने इस पूरे वो सिस्टम के अंदर ही नहीं आता क्योंकि उसकी एंट्री अलग से आने वाली है ठीक है चलो आइटम्स टू बी इग्नोर्ड एनी कैश डिस्काउंट रिसीव शुड बी इग्नोर दैट इज वन थिंग अभी मैं तुमको डी वाला भी पढ़ा रहा हूं रिटर्नेबल कंटेन फॉर विच फुल अमाउंट रिसीव सॉरी फुल अमाउंट विल बी रिसीव बैक ओके एग्जाम्पल तुम लोग ने कभी ट्वेंटी लीटर्स का बिस्लेरी का बॉटल लिया जब तुम लोग लेते हो ना वो लोग तुम लोगों से डेढ़ सो रुपया लेता है फॉर पानी प्लस तुमसे दो सौ रुपया लेता है फॉर डिपोजिट ओके मे को जरा बोलो डेढ़ सो प्लस दो सो इज यस्ट ऑफ वॉटर साढ़े तीन सौ रुपया आई एम आस्किंग यू ऑल नो इट इज स्टिल हाउ मच इट इज स्टिल हाउ मच वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज क्यों क्योंकि आप लोग पानी कभी ना कभी आप रिटर्न तो करोगे वो बॉटल जब आप बॉटल रिटर्न करोगे दे विल गिव यू दैट दो सौ रुपया बैक तो एनी रिटर्नेबल कंटेनर फॉर विच फुल अमाउंट विल बी रिसीव बैक विल बी इग्नोर हो बाईर ठीक है तो वो वाला चीज आप लोग इग्नोर कर देना ठीक है चलो ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया ठीक है अब मैं आगे चलता हूं देखो सर बोलो शर अगर बोतल अगर फिर ना, हाँ लेकिन क्या है कि दीज थिंग्स आर यूजली डन वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू द परचेज तो अपने को तब नहीं पता चलेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है अगर बाद में ऐसा कुछ हो गया यू रिकॉर्डेड एज एज अ लॉस वो मेरा पार्ट बी और सी का डिस्कशन है सुनो

डीमरेज दैट इज पेनल्टी इंपोज बाय ट्रांसपोर्टर इन ऑफ लोडिंग ऑफ द मटीरियल इज एबनॉर्मल एंड इग्नोर्ड अभी इसका मतलब क्या है सुनो मैं ना तुम लोग को कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूं ठीक है अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल है एबनॉर्मल मतलब तुम्हारी गलती की वजह से अगर कुछ हुआ है ना उन चीजों की वजह से अपना कॉस्ट मत बढ़ाओ ठीक है अपना कॉस्ट मत बढ़ाओ दो थिंग्स यू कैन ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जाम्पल एक दिया इदर, Example के तौर पे, मैं के पास गया मैंने को बोला, भाई ये वाला माल ना तू मेरी फैक्ट्री के अंदर भेज देना फैक्ट्री ना बहुत अंदर है मेरा ट्रक वहां तक नहीं पहुंच सकता मैंने बोला चल ठीक है जहां तक रोड वो प्रॉपर है ना तू वहां तक माल जो है वो पहुंचा देना मेरे को ट्रक ड्राइवर ने बोला साहब शाम को छ बजे मैं उधर पहुंच जाऊंगा आप लोग अपनी छोटी छोटी वैन लेकर वो आ जाना ट्रक से सामान आपकी वैन के अंदर जाएगा एंड देन यू कैन टेक देम टू योर फैक्ट्री बोलता है साहब डॉट 6 बजे आ जाना फॉर एवरी आवर दैट यू विल मेक मी वेट नो आई विल चार्ज टू थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा उसने ऐसा बोला ठीक है 6 बजे तक पहुंच जाना हम लोग आठ बजे पहुंचे तो हम लोग उस ट्रांसपोर्टर को एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे वी से ये चीजों की वजह से ना अपना कॉस्ट मत बढ़ाओ ठीक है क्योंकि ये जो चीजें हैं ना आर नॉट नॉर्मली इनकर्ड दिस गॉट इनकर्ड बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक इफ इट इज आर मिस्टेक नो डू नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटीरियल्स इंक्लूडेड डायरेक्टलीस्टिंग पी एन एल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ओके आप लोग इसको गुड्स की कॉस्ट के अंदर मत इंक्लूड करो आप लोग इसको पीएनएल डायरेक्टली वो ले जाना क्योंकि इवेंट एनी एबनॉर्मल इवेंट दैट आर इनकर्ड बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक should not be responsible for increasing the cost. Cost का मतलब क्या होता है cost is something that you incur to procure the product but if you incur anything extra because of your loss then it should not be part of the cost such thing should always in this particular case be recognized as a loss and transferred to penal account debit side okay? part b can remain a viva varachislikha part number cbivopatna detention charge fines imposed for non-compliance of any law अथॉरिटी इज एक्सक्लूडेड एंड इग्नोर्ड एग्जाम्पल के तौर पर रियल लाइफ काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट है आप लोगों ने ना फॉरन से कुछ इंपोर्ट किया ठीक है अभी जब वो आएगा जब वो वाला मार आएगा तो वह डॉक्स के अंदर पढ़ा रहेगा तो वो डॉक्स के अंदर तो कस्टम यार्ड के अंदर तो डॉक्स होते हैं आई थिंक यू ऑल आर अवेयर नो ऑफ दैट ओके जब मटीरियल वो आता है ना कस्टम जो अथॉरिटीज हैं आप लोगों को एक मेल आता है कि योर मटेरियल हैज कम प्लीज गेट इट कलेक्टेड इन केस यू डू नॉट ओके देन देल बी एक्स्ट्रा चार्जेस ओके नाउ दीज आर द फाइंस दीज आर द पेनल्टीज विच आर इंपोज ऑन यू ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स ओके शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द कॉस्ट ओके आई नो कि वो मैं ही भरने वाला हूं बट मैं उसको अपनी कॉस्ट की डेफिनेशन से दूर रखूंगा और मैं उसको क्या रिक्नाइज कर लूंगा लॉस तो एनीथिंग दैट इज माय मिस्टेक हाँ जो कस्टम ड्यूटी है वो मेरा कॉस्ट है वो तो ऊपर मेरे ख्याल से मैंने इंक्लूड वो कर ही दिया लेकिन अगर मैंने कुछ फाइनस पे किया मैंने कुछ यहां पर पेनल्टीज पे uh, किया ओके ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स शुड नॉट बी डीम टू बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट एक और सपोज अजीब एग्जाम्पल मैंने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल डिलीवर कर देना बोलता साहब मैं डिलीवरी नहीं करने वाला आपको डिलीवरी खुद ब खुद ही लेना पड़ेगा मैंने बोला चल ठीक है भाई मेरे पास ट्रक्स वगैरह है आई विल टेल माय ट्रक ड्राइवर टू कम टू यू एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ही विल टेक द थिंग्स ओके तो मेरा ट्रक ड्राइवर मेरी फैक्ट्री से निकला सप्लायर तक गया माल वगैरह वो लो, लोड किया और ट्रक वापस लेकर वो आ रहा था उसको वो एरोप्लेन की तरह तो वो चला रहा था ओके okay? पुलिस ने सॉलिड फाइन मारा दिस इज फाइन ट इज नॉट कॉस्ट इट इज फाइन सच थिंग शुड बी रिक्नाइज इन विच अकाउंट योर पी एन एल या कॉस्टिंग पीएनएल बिकॉज वी आर डूंग्राई टू बी सेंगे क्योंकि ये जो है ना ये अपने कॉस्ट नहीं है ये अपने क्या है दीज आर ऑल आर लॉसेज आर सच ठीक है बस ये सब कुछ आप करोगे ना योर जॉब इज ऑल टूगेदर डन ओवर हिठीक है तुम्हारा ये वाला जो काम है खत्म हो जाता है ठीक है तो यहां पे जो फोर पॉइंट्स से दीज थिंग्स आर टू बी इग्नोर्ड एक मिनट मैंने चार चीजें मेरे ख्याल से तो वो बोला है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इग्नोर कर दो पैकिंग कॉस्ट जो है तो वो इग्नोर कर दो अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस अपना कोई भी पेनल्टीज कोई भी फाइन वो ऐसी चीजें हैं जो लॉस रिप्रेजेंट करता है ऑल दो थिंग्स ऑल्सो यू ऑल इग्नोर ओवर हियर ठीक है ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद जो आंसर आ जाते है ना दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस इज नथिंग बट योर अमाउंट ऑफ हियर तो वो जो अमाउंट हम लोगों ने वो बोला था ना दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ठीक है चलो सुनो देखो तो यहां पर तुम्हारा पॉइंट नंबर थ्री हो गया ठीक है आइटम्स टू बी इग्नोर वी ऑल है अभी मेरा इस पार्ट के अंदर आ, एक सेकेंड ना ये वाला जो तुम्हारा पार्ट था ये वाला जो तुम्हारा पार्ट था ये सब हो गया ठीक तो अमाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस मीन टोटल परचेज कॉस्ट ठीक है तो वो सब आ गया वो सारी की सारी चीजें जो थी अभी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यूजली पीपल थिंक एंड मेनी पीपल डू लाइक दैट ऑल्सो आई नॉट से इट इज रॉन्ग और समथिंग ओके लोग ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं सर क्वांटिटी बोले तो क्वांटिटी परचेज एग्जाम्पल 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 तुम लोगों ने दस हजार यूनिट खरीदा था ठीक है और ये सारी की सारी ये जो सात चीजें हैं ना ये जो सारी की सारी ये सात चीजें हैं ये सब कंसिडर करने के बाद सब की सब वो कंसिडर करने के बाद इधर जो अमाउंट आया ना वो टेन लाख रुपीज का आया ठीक है वो टेन लाख रुपीज का आया तो अमाउंट वॉज टेन लाख आफ्टर कंसिडरिंग थिंग्स एंड आफ्टर इग्नोरिंग ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स ये जो आइटम्स टू बी इग्नोर है ठीक है ये सब करने के बाद तो दस लाख रुपया आ गया ठीक है तुम लोगों ने कितने यूनिट्स परचेज किए थे टेन थाउजेंड बट करेक्टली तुमको यहां पर दस हजार नहीं लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए सर रिसीव मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स यू नो बिकॉज देर इज एन अदर थिंग वी टू बी थिंकिंग लाइक दिस देखो अभी मैंने ना सप्लायर को दस हजार यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया था ठीक है मेरा जो गुड्स है ना वो फॉरेन कंट्री से आ रहा है ठीक है नाउ आई बीन देयर इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम मेरे को ऐसा लगता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कि जब भी मैं दस हजार यूनिट ऑर्डर वगैरह वो करता हूं ना ट्रांजिट के अंदर तकरीबन 200 यूनिट तो खराब हो ही जाते हैं एंड दोज आर नॉट यूजेबल एट ऑल ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको समझ में आएगा दस हजार यूनिट ऑर्डर करके अल्टीमेटली जो मैं यूज कर पाऊंगा ना आगे बोलो नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड है तो जरा सोचो ना मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में हमेशा यही वाला चीज वो चलेगा आई एम पेइंग टेन लाख रुपीज फॉर एक नंबर बोलना नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड क्योंकि बाकी दो सो तो मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा तो इज दैट अंडरस्टूड वी यूजली से क्वांटिटी जो इधर आता है ना इट शुड बी क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आई कंटिन्यू द एग्जाम्पल अगर किसी को फर्स्ट वाला एग्जाम्पल वो नहीं समझा तो मेरे को लग लग रहा था फॉरिन कंट्री से गुड्स आएगा 200 तो बीच में खराब हो ही जाएगा बच जाएगा 9,800 तो मैं कस्टम अथॉरिटीज के पास जाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा भाई 9,800 यूनिट ओके तो दो ना मेरे को मेरे को डिलीवरी तो दो उनका वो लोग बोलते साहब ये जो आप यूनिट्स इंपोर्ट करते हो ना बहुत अच्छा क्वालिटी का है मैंने बोला साहब वो तो है मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ बोलता आप तीन वो हमको दे दो मेरी वाइफ को ये वाले यूनिट्स बहुत अच्छे लगते हैं मैंने बोला नहीं दिए तो बोलते फिर आप बाकी यूनिट्स भी आप लेके नहीं जा सकते आप जो मर्जी कर लो मैंने बोला आप रिश्वत मांग रहे हो बोलता रिश्वत इन काइंड गुड्स दो ओके अभी इन इंडिया इट इज सिस्टम अपने को रिश्वत तो वो देनी पड़ती है आप उसको जो भी बोलो या भाईचारा बोलो या जो भी बोलो ओके तो वो बोलता है कि 300 यूनिट इन दिस केस आप मेरे को दे दो और ऐसा हमेशा ही होता है ये कस्टम ऑफिसर नहीं कोई ना कोई और कस्टम ऑफिसर तो बोलता ही है कि आप 300 यूनिट जो है आप हमको दे दो ठीक है तो बच गया 9500 अभी मैं हमेशा कस्टम अथॉरिटी से 9500 यूनिट बाहर लाकर मतलब आई ट्राई टू ब्रिंग देम टू माय फैक्ट्री बीच में हवलदार लोग भी होते हैं ओके वो लोग बोलते तूने उसको दिया तो हमको तू उदास करेगा क्या पांच सौ यूनिट चल तू हमको दे दे ओके इन आर कंट्री वी लव टू गिव ओके एंड इवन इफ वी वी डोंट लव टू टू गिव हैव गिव ओके तो बच गया नौ हजार यूनिट ओके तो नौ हजार यूनिट रीच माय फैक्ट्री आई टेल माय वर्कर्स भाई नौ हजार यूनिट गोडाउन के अंदर डालो माय वर्कर्स आर ऑल्सो वेरी लॉयल बट टूवर्ड्स देयर फैमिली मोर वो लोग 300 यूनिट चोरी वो कर ही लेता है मैंने सीसीटीवी कैमरास लगाया जो भी लगाया लेकिन वो लोग चोरी वगैरह तो कर ही लेता है मेरे को ऐसा मालूम है कि ऐसा ही होएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं जितना भी कंट्रोल करने के लिए ट्राई करूं लेकिन यह वाला चीज होएगा ही होएगा। तो 8,700 यूनिट अल्टीमेटली रीच माई वेयर हाउस ओके एंड फॉर सम रीजन दैट आई हैव बीन वंडरिंग फॉर माय एंटायर लाइफ बिफोर कंजम्शन है टू हंड्रेड मोर आर गॉन मेरे को नहीं मालूम वाई लेकिन मेरे को मालूम है कि होता है ओके okay? तो अल्टीमेटली हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन 8,500 मैं हमेशा अपने दिमाग में एक ही चीज सोचूंगा यार 10 लाख रुपए का मैं खर्चा करता हूं बट हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल टू मी फॉर कंजम्पशन बोलो 8,500 थाउजेंड सो देयर फोर माई ट्रू कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स विल बी टेन लैक्स डिवाइडेड बाई एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड वट एवर द आंसर कम्स सो इन रियालिटी अगर आपको करेक्ट काम करना है ओके okay, अगर आपको वो करेक्ट काम करना है तो आईसीए जो है वो ऐसा बोलता है कि यहां पे ना आप क्वांटिटी परचेज मत रिकॉर्ड करो यू रिकॉर्ड क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पन एंड क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्शन विल बी नथिंग बट क्वांटिटी परचेज माइनस एवरी नॉर्मल लॉस दैट यू एक्सपेक्ट बिफोर कंजम्पन हैपन्स अगर कोई बोलता है सर आपका बिजनेस नया है फिर आप इफ यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनी लॉस फिर आप दस हजार यूनिट ही रिकॉर्ड कर दो ओके इट इज बेस्ड अपॉन एन एक्सपेक्टेशन इन केस यू थिंक कि सम यूनिट्स विल बी लॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस यू ऑल सिंपली जस्ट ये वाला जो क्वांटिटी है वो लॉस लेस करने के बाद लिखना क्योंकि अल्टीमेटली आपका खर्चा इतना हो रहा है लेकिन आपके पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो इतने ही हैं ओके okay? दे so फोर ये तुम्हारा अमाउंट है ये तुम्हारा क्वांटिटी है डिवाइड करके अपने को क्या मिल जाएगा रेट मिल जाएगा दिस इज द रेट दैट यू ऑल शुड रिकॉर्ड इन विच अकाउंटोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है इस चीज के साथ मेरा ये वाला जो थियरी है दैट ऑल कम्स टू एन एंड सुनो यहां पर एक लाइन है वट इज द क्वांटिटी दैट शुड बी एंटर्ड इन एस एल सी अकाउंट क्वांटिटी मींस क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंज़म्पशन दैट इज क्वांटिटी परचेज लेस ऑल नॉर्मल किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछना हाँ गुड्स प्रोडक्शन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे अभी तक वी आर स्टिल ऑन द मटीरियल स्टेज से कुछ हां तो जी अगर वो एबनॉर्मल होएगा तो एबनॉर्मल के लिए बाद में कुछ और आएगा अभी जो मेरे को लगता है कि चोरी होएगा होएगा ही होगा, जो ये ये वाला चीज है मेरा एक्सपेक्टेशन था मैंने वही वाला चीज बोला इफ यू थिंक सम लॉसेस विल हैपन देर आर मेनी केसेस वेयर बाय बायफरेज करके समथिंग्स हैपन ओनली ओके देर आर सम प्लेसेस जहां पे यू एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ चोरी वगैरह वो होएगा ही होएगा अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है देन इन दैट केस इट इज नॉट एबनॉर्मल बिकॉज यू एक्सपेक्टेड टू हैपन ठीक है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग वो चीजें लेस कर दो ठीक है कुछ और पूछने का है तो अभी पूछ लो तर, भी तो बराबर है क्योंकि दोज आर इनकर्ड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स ओके वो हमेशा नहीं होता है वो हमेशा नहीं होता है लेकिन ये जो चोरी वगैरह है वो मेरी गलती नहीं है ओके I expect expect that that these these things things will will happen. happen, If you you then in that particular case you all can reduce. ऐसा लगता है कि चोरी नहीं होनी चाहिए और अगर बाद में हो गई kind of a thing will be treated as abnormal. उसके लिए जो क्वेश्चन हैं वो बाद में आएंगे बस एक लास्ट डाउट इफ समी कैन आसमी लास्ट डाउट हांजी हाँ बोलो अगर और कोई competitors भी होंगे तो

तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू ऑल कैन लेस इट ठीक है तो okay, so 10 लाख के अंदर से ठीक है चलो सुनो uh, अभी एक क्वेश्चन है दैट इट इज लाइक दिस वो चार मार्क का वो टोटल क्वेश्चन था ठीक है वी आर ट्राइंग टू बी डूइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाओ पढ़ो एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट ए थर्टी ये एक रॉ मटेरियल का नाम होगा be entered in stores ledger if the following invoice was received from the supplier ठीक है 200 units part a 32 at the rate of rupees 5 1000 rupees less 20 percent discount usually अगर कोई discount invoice के अंदर से ही कम किया रहता है ना तो वो trade discount होगा ठीक है क्योंकि वो invoice bill बनाते वक्त ही less करके तो खत्म कर दिया तो ये जो 800 है ना दिस विल बी योर नेट कॉस्ट ठीक है एट सी जीएसटी किसी को सी जीएसटी का फुल फॉर्म आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी आप लोग किधर भी मेरे ख्याल से तो खाना वगैरह भी खाओगे तो तुमको जो बिल मिलेगा ना वहां पे टू एंड हाफ परसेंट का सी जीएसटी लगता है टू एंड हाफ परसेंट का एस जीएसटी लगता है ओके तो यहां पर वो वो एक ही चीज है तो चलो ठीक है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ठीक है आगे एड पैकिंग कंटेनर्स फाइव बॉक्सेस। चलो है, फिफ्टी रुपीज सॉरी फाइव नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस नॉन रिटर्नेबल मतलब अभी मैं सप्लायर को रिटर्न नहीं कर सकता मेरे को बोलो, अगर उसको रिटर्न नहीं कर सकता तो वो मेरा कॉस्ट है यस yes के नो वो कॉस्ट है ठीक है आगे आगे टू परसेंट डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट विद इन थर्टी डेज ऑब्वियसली ये वाला डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा कैश डिस्काउंट वो लोग बोलते हैं तीस दिन के अंदर पे करेगा तो तेरे को दो परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो ठीक है तो ऑब्वियसली अभी तो कंफर्म हो ही गया कि ये वाला जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट ही होगा ठीक है आगे डॉक्यूमेंट सबमिटिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज इंक्लोज फॉर क्लेमिंग जीएसटी क्रेडिट तो ये जो जीएसटी था ना इसका अपने को बाद में इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा यह वाला चीज मेरे को पार्ट बी से पता चला सबको समझ में आ गया अभी मैं तुमको टोटली totally दो मिनट दे रहा हूं मेरे को आंसर मैसेज ही करना तुम लोग अमाउंट निकालना बेस्ड अपॉन ऑल लोग क्वांटिटी निकालना बेस्ड अपॉन द पॉइंट ऑल द इज टू सिंपल एक सेकंड के अंदर तुम्हारा काम वो हो भी जाएगा अमाउंट निकाल के क्वांटिटी से डिवाइड करना मेरे को रेट मैसेज करना योर टाइम स्टार्ट नाउ देव करेक्ट है तने करेक्ट है प्रथम गलत है आई वॉन्ट रेट पर यूनिट रेट पर यूनिट प्रथम गलत है प्रतिका आई वॉन्ट रेट पर यूनिट प्रथम करेक्ट है कुणाल करेक्ट है अभिषेक करेक्ट है मीत करेक्ट है कृतिका गलत है श्रीधर गलत है शुभम गलत है वासु गलत है अंश करेक्ट है साक्षी करेक्ट है आयुष करेक्ट है जिनों का करेक्ट है मैं बोल देगा हर्षी करेक्ट है सॉरी एक्चुअली नाउ इट इज गोइंग बियॉन्ड मै रीच विजित करेक्ट है परशुआ करेक्ट है सृष्टि करेक्ट है चलो आई थिंक आईव गिवन यू ऑल तो इनफ टाइम सुनो स्टार्ट कर लेते हैं यू ऑल राइट आउटीज लिखिए क्वेश्चन नंबर वन No, no, no. It's not required. You all give the title and you all start directly. Calculation of rate for SLC account. Sir, Stores ledger control account. I'll write it. वो बुक के क्वेश्चन के अंदर भी था वैसे ठीक है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अच्छा तो सबसे पहले नेट बेसिक परचेस कॉस्ट नेट बेसिक परचेस कॉस्ट कॉस्ट जो था आठ सौ रुपए का था मैं यहां तक पहुंच गया तो 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 नहीं 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 इट्स नॉट रिक्वायर्ड आगे ऑब्वियसली पहले जीएसटी हम लोग एड ही करेंगे हम लोग पे कर रहे हैं यार टू द सप्लायर रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट नाइनटी सिक्स अच्छा मी को जरा बोलो इस नाइनटी सिक्स का बाद में अपने को क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा ठीक yes, तो yes. है तो अभी अपने को लेस करना पड़ेगा लेस यू ऑल राइट डाउन द सेम टर्म जो आप लोग कभी ना कभी तो जीएसटी के अंदर तो वो सीखोगे लेस इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी आप अगर वो करोगे तो अच्छा है वरना ऑलवेज बेटर टू बी को नोट की झंझट के ना तो वो पढ़, आ, पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को कुछ नहीं समझा हाँ सॉरी फिर से बोलो हम लोगों ने ऐड करके लेस कर ही दिया तो पता वो चली गया ना सब कुछ तो अभी नोट की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ये इग्नोर करोगे देन यू ऑल कैन राइट अ नोट इग्नोर करोगे देन आल्सो द आंसर विल रिमेन सेम नहीं में नोट में टू तो दिखा के करना ही है ना सर तो पूरा नोट में भी नहीं यू शो इट समवेयर या इधर या नोट में ठीक है मैडम मैंने चार बार सेम चीज एक्सप्लेन किया यार चार बार यार पहले 96 मेरा कॉस्ट है बाद में इट विल बिकम योर फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स के ऊपर जीएसटी पे करने का है जब जीएसटी पे करने के लिए जाऊंगा तो ये वाला अमाउंट मेरे को गवर्नमेंट बोलती है आप लोग डिडक्ट करके ले लो अभी आई ट्राई टू एक्सप्लेन एट पर्टिकुलर टाइम तो सेम थिंग आई विल नॉट बी एबल टू ओके मैं बाद में ट्राई करूंगा ठीक है उसके बाद बेटा जब लिखा हुआ है तो वही ना जब लिखा हुआ है तो वही उसके ना कुछ पार्ट नहीं होता है जो भी अमाउंट होता है of materials that will be given as credit, okay? जो भी मैं बुक्स के ऊपर जो भी मैं जीएसटी पे करूंगा एंटायर अमाउंट इज गिवन एज क्रेडिट उसके ना कुछ पार्ट वगैरह नहीं होता है ठीक है आगे yes. आगे एड पैकिंग कॉस्ट एट पैकिंग कॉस्ट कितने रुपीज का है बेटा फिफ्टी मेरे को बोलो ये फिफ्टी जो नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हैं ठीक है इनका कुछ स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है no, नहीं तो स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ तो फिर तो कितना होएगा जीरो तो आई एम जस्ट राइटिंग ताकि तुम लोग को याद रहे तुम लोग अगर नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा सो लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकिंग कंटेनर्स टोटल परचेज कॉस्ट कितने रुपीस का हो जाएगा एट फिफ्टी डिवाइडेड बाय यूनिट्स अवेलेबल फॉर कंजम्प्शन मेरे को जरा बोलो यहां पर हाउ मेनी यूनिट्स यू आर परचेजिंग टू हंड्रेड आर देर एनी लॉसेज विच आर गिविन टू यू नो सो दीज यूनिट्स विल बी अवेलेबल फॉर कंजम्प्शन ऑल्सो रेट फॉर एस एल सी अकाउंट ऑब्वियसली ये जीएसटी के लिए ये पार्ट बी वाली लाइन थी चलो दो चीजें मैंने शॉर्ट्स के अंदर वो रखा हुआ है डिस्काउंट इन इनवॉइस शुड बी ट्रेड डिस्काउंट इफ जीएसटी इफ क्रेडिट ऑफ जीएसटी विल बी गिवन इट शुड बी स्पेसिफाइड ऑबियसली अगर ये वाला लाइन क्वेश्चन के अंदर नहीं होता तो वो फिर नाइनटी सिक्स रुपीज में लेस नहीं करता ठीक है उन लोगों ने दिया हुआ था कि क्रेडिट मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा ओके चल चलिए हाँ सुनो क्वेश्चन नंबर टू भी वाला स्टार्टिंग नाउ हो पढ़िए अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत परचेज थ्री केमिकल्स ए बी एंड सी फ्रॉम मुंबई द इनवॉइस गिव गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ठीक तो कोई एक मैन्युफैक्चरर है इन सूरत ये जगह का नाम याद रखता मुंबई से उसने तीन केमिकल्स खरीदा ए बी सी केमिकल ए थ्री थाउजेंड केजी एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट टू फाइव थाउजेंड केजीज एट द रेट ऑफ थ्री पॉइंट एट थाजीज सेवन सेल्स टैक्स रेलवे फ्रेट मैंने एक चीज लिख के रखा हुआ है ठीक है नीचे शॉर्ट के ना आई रीड इट सेल्स टैक्स इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू आई एम अवेयर ऑफ इट बट इफ इट कम्स

अ प्रोविजन ऑफ फाइव परसेंट टुवर्ड्स फर्दर डिट्योरेशन मतलब तुमको ये भी मालूम है कि जितना माल वो बचा ना उसके अंदर से भी पांच परसेंट माल जो है वो और खराब हो जाएगा ठीक है यू ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है अच्छा एक छोटा सा रूल जितने टाइप ऑफ रॉ मटेरियल होंगे उन उतने अलग अलग कॉस्ट निकालना तो इस क्वेश्चन के नाम पहले मेरे को जरा बोलो कितने टाइप ऑफ मटीरियल है थ्री तो मेरे को सबका आंसर अलग अलग ही निकालना है ओके तो जैसे पिछली बार किया था वैसे ही कर रहा हूं बस यहां पे थ्री कॉलम सालमी को वही तो यहां पे जरा लिखना क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर एस अकाउंट तो इधर ए आ जाएगा बी आ जाएगा सी आ जाएगा एग्जाम चलेगा चलेगा आगे सबसे पहले नेट बेसिक परचेस कॉस्ट अच्छा ए का जो कॉस्ट है बेटा 12,600 है बी का जो कॉस्ट है 19,000 है सी का जो कॉस्ट है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अभी तुम लोग क्या करो सुनो तुम लोग ना मेरे को जरा बोलो इनके अलावा तुमको और कितनी कॉस्ट दिखाई दे रही है बस गिनो मेरे को बोलो मत बस गिनो तुम लोग टोटली सम के एंड तक पढ़ लो टोटली सम के एंड तक पढ़ लो इसके अलावा और कितनी कॉस्ट दिखाई दे रही है सुन, कार्टून सुनो सुन। एक सेल्स टैक्स हो गया सुनो अभी एक रेलवे फ्रेट हो गया सेकंड। उसके बाद एक लोकल टैक्सेस हो गए थर्ड आगे एक लास्ट और बोल दो एक कार्टेज हो गया फोर बेटा चार ही है और कोई कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर वो नहीं दिया हुआ ठीक है तो यहां पे लिखो सेल्स टैक्स एक लाइन छोड़ना फिर उसके बाद लिखो रेलवे फ्रेट एक लाइन छोड़ना उसके बाद लोकल टैक्सेस ड्यूटी उसका मतलब क्या होएगा वो मेरे को भी नहीं मालूम यहां टैक्सेस होता है या ड्यूटी होता है ठीक है चलो अभी जो भी वर्ड दिया हुआ है और उसके बाद आ... कार्टेज इनमें से कार्टेज का अमाउंट डायरेक्टली है सो दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग राइट नाउ ट्वेंटी टू बक्स सिक्सटी थ्री पॉइंट वन टू थर्टी वन पॉइंट एट जीरो अच्छा उसके बाद क्वांटिटी के अंदर मेरे को क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन चाहिए तो दैट क्वांटिटी बेटा कार्टेज का तो अमाउंट ही दिया हुआ है ना सो आई टेक दैट ओनली नो डायरेक्टली ही ऑल्सो पेड ना तो आगे पर केजी वगैरह तो वो थोड़ी लिखा हुआ है जब भी पर के जी था तो वो लिखा ना इधर उन लोगों ने ठीक है आगे क्वांटिटी परचेज लेस मेरे को जरा बोलो यहां पर वी हैव टू बी रीचिंग टिल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ठीक है तो मैं चीजें लेस भी करूंगा मेरे को बोलो कितनी चीजें मैं लेस करूं वहां तक पहुंचने के लिए एक दो तीन कुछ ऐसा बोलो ना दो एक यहां पर वो ब्रेकेजेस वगैरह हुए बिफोर एंटरिंग सूरत तो यहां पे ऐड ब्रेकेजेस एक लाइन छोड़ना लेस प्रोविजन फॉर फर्दर डिट्योरेशन तो जो इधर मिल जाएगा दैट इज क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बस एक बार ये दोनों चीजें आ जाएंगी दोनों को डिवाइड कर लेंगे रेट फॉर एस एल सी अकाउंट इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन आई नो दैट सेल्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टुडे, बट आई हैव जस्ट ट्राई टू बी पुटिंग इट फॉर द कंसेप्ट एंड नथिंग एल्स वो लोग सेल्स टैक्स के बदले में वो जीएसटी वगैरह तो डाल ही सकते हैं ठीक है सुनो मेरी बात सेल्स टैक्स देखो तुमको भी एक चीज समझ में आएगा सेल्स टैक्स जो है

Hmm. अगर ये तीनों के अगेंस्ट डिवाइड करने का है तो आई डिवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर रेशो। मतलब इन द रेशो ऑफ अमाउंट बिकॉज इन रियालिटी जब सेल्स टैक्स था ना इट वॉज अमाउंट इन टू समर्सेंट तो अगर अमाउंट ज्यादा तो सेल्स टैक्स ज्यादा ठीक है तो यहां पर वी शैल बी राइटिंग कोई कलर्ड पेन है यू ऑल कैन टेक दैट टू जीरो फाइव फाइव इन रेशो ऑफ ट्वेल्व सिक्स हंड्रेड थाउजेंड इज टू नाइन फाइव जीरो जीरो तुम लोग एक मिनट के बाद कंप्यूट कर लेना ठीक है आगे चल पड़ते हैं सुनो रेलवे फ्रीट सुनो आप लोग अगर कुछ भी रेलवे से भेजते हो ना आप लोग कुछ भी कोरियर वगैरह वो करते हो चार्जेस आर यूजुअली बेस्ड अपॉन द वेट दे आर यूजुअली बेस्ड अपॉन द वेट कोई बोलता है सर इट इज बेस्ड अपॉन वेट एंड डिस्टेंस मैं यहां पे डिस्टेंस का बात नहीं कर सकता हूं कोई मेरे को बताएगा क्यों बेटा केमिकल ए बी और सी ऑल ऑफ देम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू सूरत ओनली नाई वी आर परचेजिंग फ्रॉम द सेम सप्लायर वी आर आल्सो वन सिंगल पर्सन तो डिस्टेंस के बारे में क्या बात करूं सो रेलवे फ्रेट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ ऑब्वियसली द क्वांटिटी जितना ज्यादा वेट होगा उसके हिसाब से तो रेलवे फ्रेट आएगा ठीक है एंड ऑब्वियसली मुंबई से सूरत पहले गुड्स ट्रेन से आएंगे ओके तो ये वाला जो रेलवे फ्रेट है ये तो बिल के अंदर ही डाला है तो जो अपना सप्लायर है वो रेलवे फ्रीड जो है अपने से चार्ज करेगा बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी तो यहां पे लिख देना ये कितना था बेटा थाउजेंड थाउजेंड इन रेशियो ऑफ थ्री फाइव टू थ्री इज टू फाइव इज टू टू तुम लोग थोड़ी देर के बाद कंप्यूट करना आगे क्वांटिटी परचेज तुम्हारे पास है बेटा यहां पर लिखना थ्री उसके बाद एक मैं ब्लैक के अंदर लिखता हूं थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड लेस ब्रेकेजेस तो ब्रेकेजेस 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 टू हंड्रेड टू एटी और उसके बाद हंड्रेड ट्वेंटी एट हंड्रेड फोर सेवन टू जीरो नाइनटीन हंड्रेड अच्छा देखो यहां पे ना एक और लाइन है जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्टॉक रेट एट विच यू वुड सजेस्ट दैट यू वुड सजेस्ट फॉर प्राइसिंग द इश्यूज ऑफ केमिकल अज्यूमिंग अ फाइव परसेंट प्रोविजन टू वर्ड्स फर्दर डिट्यूरेशन मतलब जितना भी माल सूरत के अंदर वो पहुंचेगा ना आई थिंक इतना माल सूरत पहुंचेगा यू ऑल एग्री टू दिस ओके okay, तो यहां पे ना एक लाइन जरा लिखना वो लाइन मेरे को बाद में भी काम में आएगा क्वांटिटी एंट्रिंग सूरत तो इसका पांच परसेंट और कंप्यूट कर लो 140, 4720 फोर्टी फोर सेवन टू जीरो इंटू पांच परसेंट टू थर्टी सिक्स एंड दिस इज नाइन्टी फाइव आई गेस तो 2800 ये आ जाएगा 2660 सिक्स फोर फोर एट फोर वन एट जीरो फाइव सुनो तुम्हारा एक काम जो है वो हो गया मेरा बस एक लास्ट काम वो बाकी है सुनो अभी ये वाला चीज आई थिंक सो तुम लोग करेक्ट ही बोलोगे देखो एक लोकल टैक्सेस वाली जो सिचुएशन है ना वो बच गई तो वो देख लेते हैं फिर क्या लिखा है एट सूरत द मैन्युफैक्चर पेड लोकल टैक्सेस एट द रेट ऑफ पर जीरोजी बस मेको जरा बोल देना फॉर रॉ मटीरियल ओनली फॉर रॉ मटीरियल ओनली ही विल पे एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट वन पर के जी आई अंडरस्टैंड दैट मेको जरा बोलो बट ही विल पे जीरो पॉइंट वन पर के जी फॉर हाउ मच क्वांटिटी 2800 प्लीज ये मत बोलना टू बेटा क्या है जब वो अपनी फैक्ट्री के अंदर माल रखेगा ना वो 2800 यूनिट ही रखेगा लेकिन जब तक कंजम्पशन का बारी आएगा ना 5 परसेंट का डिट्यूरेशन मतलब उतने यूनिट्स और खराब हो जाएंगे लेकिन उसको टैक्सेस तो उसके हिसाब से ही देने पड़ेंगे जितने यूनिट्स जो हैं वो सूरत में आए तो सूरत के अंदर इतने यूनिट्स आए सो टू थाउजेंड में क्या करता हूँ चलो ठीक है तो थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन दिस इज टू एटी फोर सेवन टू जीरो इंटू जीरो पॉइंट वन दिस इज फोर सेवन टू दिस इज नाइनटीन हंड्रेड इंटू जीरो बस जॉब इज डन वन टू थ्री वन टू थ्री सुनो जब भी तुम्हारा काम हो जाएगा तो सारा का सारा तो एक काम जरा करना स्क्रीन पे वो देखो फर्स्ट फिगर सेकेंड फिगर थर्ड फिगर फोर्थ फिगर फिफ्थ फिगर एडिट गेट दिस पर्टिकुलर फिगर इस नंबर को टू सिक्स सिक्स जीरो से डिवाइड करना दिस विल बी योर फाइनल रेट ओके तीनों का रेट निकालो स्टार्ट करो चलो <coughs> ये वाला काम करो So, see, that's all, that's all, that's all. बेटा ये डिवाइड करो ना टू जीरो पर्टिकुलर रेशो। तो वही तो अपना बात हुआ कि सेल्स टैक्स इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग रेशो के रहे तो वो डिवाइड करो आपको डिवाइड करने को आता है तो इन दैट पर्टिकुलर रेशो 5.2, 4.68, 5.76. करो ये सब लोग खत्म पहले 2055 को इस रेशो के ने डिवाइड करने का थाउजेंड रुपीज को इस रेशो के ने डिवाइड करने का बेटा ये वाला फिगर सिक्स थर्टी है सेल्स टैक्स के सामने कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता था दैट इज वाई जो सेल्स टैक्स है दैट गॉट रिप्लेस बाय जीएसटी टू गिव दैट बेनिफिट बेसिकली चलो सुनो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन ओके ये अपना कल का स्टार्टिंग uh, पॉइंट भी होगा लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं सेल्स टैक्स इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू डे बट इफ इट कम्स डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ परचेजेस सेम वे इफ जी एस टी वॉज गिवन कमाइंडिवाइडेड इन द रेश ऑफ अमाउंट ऑफ परचेजिज जैसे आपका जो जीएसटी भी होता है वो इट इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो अगर सेल्स टैक्स के बदले में जीएसटी भी होता तो ऐसे ही काम करते ठीक है फ्रेड इज यूजली पेड ऑन वेट ओके इन डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ वेट लोकल टैक्सेज विल बी लेविड ऑन क्वान्टिटी एंट्रिंग सूरत दैट इज क्वान्टिटी परचेज लेस द लॉसेज बिफोर एंट्रिंग सूरत ठीक है चलिए ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री इज सेम एज योर क्वेश्चन नंबर वन एक्चुअली ठीक है तो उसके लिए आप लोग दो साइड छोड़ दो मेरे ख्याल से एक साइड भी छोड़ोगे तो भी बहुत हो जाएगा यू ऑल कैन लीव अ साइड ओनली उसके ना काम हो जाएगा तुम्हारा ठीक है चलो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ओके फॉर मटीरियल कॉस्टिंग सर <coughs> क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए प्लीज एक्स वाई जेड लिमिटेड चेज सॉरी मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट पी वन पी टू पी थ्री उससे पहले सुनो ये वाला क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है मैंने टाइटल वो नहीं दिया बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू ऑल इट इज ऑन समिंग कॉल्ड एज अ परचेज बजट एंड अ प्रोडक्शन बजट अच्छा परचेज बजट क्या होता है प्रोडक्शन बजट क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले बजट क्या होता है बजट्स आर एस्टिमेट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड नेक्स्ट पीरियड के अंदर क्या होने वाला है मेरे दिमाग के अंदर है आई थॉट आई रिफाइन इट आई पुट इट अपन पेपर ऑल दो स्टेटमेंट विच आर मेड ऑन एस्टिटेड बेसिस आर कॉल्ड एज बजट तुम्हारे तो सिलेबस के अंदर एक चैप्टर भी आएगा कॉल्ड एज बजट कंट्रोल जहां पे वी विल ट्राई टू बी मेकिंग एवरी टाइप ऑफ बजट सेल्स बजट जिससे पता चलेगा कि फ्यूचर के अंदर सेल्स कितना होगा प्रोडक्शन बजट परचेज बजट कैश बजट फिक्स एसेज बजट फिर ओवरहेड्स बजट फिर लेबर बजट ओके वेयर बाय ऑल दीज बजट पीरियड के अंदर क्या होगा ताकि आई हैव सम काइंड ऑफ अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी अभी इस चैप्टर के लिए मेरे को दो ही बजट के अंदर इंटरेस्ट है वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन बजट अदर ऑफ देम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज परचेज बजट ओके ऑफ गोटू बी कॉल्ड एज परचेज बजट ठीक है अभी ध्यान से सुना जो मैं बोलने वाला हूं मेरे को जरा बोलो प्रोडक्शन बजट इससे तुमको प्रोडक्शन पता चलेगा प्रोड्यूस करते, करते हैं तो मेरा प्रोडक्शन बजट बनाने का एक लौता एम क्या है टू फाइंड आउट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है बस यहां तक पहुंच जाओगे योर प्रोडक्शन बजट इज ओवर अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस तक अगर पहुंचने का है तो हम लोग क्या करेंगे क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड से स्टार्ट हो जाएंगे अपना कॉस्टशीट याद करो या इलेवेंथ या ट्वेल्थ याद करो या फाउंडेशन याद करो मेरे को बोलो क्वांटिटी सोल्ड से क्वांटिटी प्रोड्यूस तक पहुंचने के लिए क्या ऐड किया जाता है क्या लेस किया जाता है बोल दो यार ओपनिंग स्टॉक स्टॉक ऐड क्लोजिंग में यार्ट मेरे को एक बार सोच समझ के बोला करो लेट बोलोगे तो भी चलेगा करेक्ट बोलोगे क्वांटिटी सोल से क्वांटिटी प्रोड्यूस तक पहुंचने के लिए क्या एड करूं क्या लेस करूं सोच के एक ही बार एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक नो ट के अंदर भी तो वही करता था ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारे लिए बनाता था यहां पे लिखता था ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखता था क्वांटिटी प्रोड्यूस यहाँ पे लिखता था क्वांटिटी सोल्ड याद आता है और यहां पे लिख देता था बाय क्लोजिंग स्टॉक तो अगर मेरे को इधर तक पहुंचने का है इधर से चालू करके तो क्वांटिटी सोल्ड अभी तो बोलो सब लोग एड अड़, एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक सो दे फोर एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बस इतना काम करोगे तुम्हारा जो काम है सारा का सारा खत्म हो जाएगा सुनो so, मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी सोल्ड भी नहीं दिया हुआ ना अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी सोल्ड भी नहीं दिया हुआ तो क्या कर लेना ढूंढ लेना सम के अंदर तुम लोग को सेल्स दिया जाएगा सेल्स इन रुपीज दिया जाएगा ऑब्वियसली अगर सेल्स इन रुपीज को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर लोगे तो तुम लोग को क्वांटिटी सोल्ड मिल जाएगा ठीक है हम लोग जब बजेटरी कंट्रोल जैसा बड़ा टॉपिक भी करेंगे ना वो तुम्हारी बुक का वैसे लास्ट चैप्टर होगा तो हम लोग वहां पर भी प्रोडक्शन बजट ऐसे ही करने वाले हैं और एम इज टू बी फाइंडिंग आउट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी सोल्ड से स्टार्ट कर लो स्टॉक्स वगैरह एडजस्ट कर लो ठीक है अभी दूसरा अभी ना मेरे को परचेज बजट चाहिए अभी सब लोग मेरे को जरा बोलना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है फिनिश गुड तो अभी अभी तो अभी-अभी पूछा था वो तो सेम ही क्वेश्चन है मेरे को जरा बोलो लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या परचेज करती है रॉ मटीरियल तो सुनो 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 अभी गलत मत बोलना अपनी इंसल्ट मत कराना सुनो मेरी बात सब लोग मेरे को ये वाला बजट बना के क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तक पहुंचने का है क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तक पहुंचने का है अगर क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तक पहुंचने का है ना तो मैं क्या करूंगा मैं ना क्वांटिटी कंज्यूम्ड से स्टार्ट कर लूंगा मेरे को दो लाइन जरा कंप्लीट करके दो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर आगे बोलो बिकता है बिकता है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर आगे बोलो बिकता है लेकिन रॉ मटेरियल परचेज होकर आगे बोलो कंज्यूम होता है तो अगर आपको क्वांटिटी परचेज चाहिए तो आप क्वांटिटी कंज्यूम से स्टार्ट करो ठीक है और अब जरा बोलो क्वांटिटी कंज्यूम से क्वांटिटी परचेज तक पहुंचने के लिए क्या ऐड करूं क्या लेस करूं सोच के बोलना तुम्हारी क्वेश्चट याद करो और बोलो बराबर से क्या ऐड करूं क्या लेस क्वांटिटी कंज्यूम से क्वांटिटी परचेज तक पहुंचने के लिए बोलो ऑबियसली एड क्लोजिंग स्टॉक एक मिनट मैंने एक वर्ड गलत लिखा है मैंने एक वर्ड गलत लिखा है ऑब्वियसली इट शुड बी ऑफ रॉ मटेरियल सुनो एक मिनट तुम्हारी के ना सबसे पहले क्या आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कंप्यूट होता है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक नो तो अगर तेरे पास ये वाली चीज है तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा बेटा दिस फिगर आगे बोलो सब लोग एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक ठीक है तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ रॉ मटेरियल एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू क्वांटिटी परचेज लेकिन आप परचेज बजट का एक रूल याद रखना परचेज बजट आप लोग क्वांटिटी के अंदर भी निकालना और आप लोग अमाउंट के अंदर भी निकालना अमाउंट मतलब कि इतना रॉ मटेरियल खरीदेगा भाई तेरा खर्चा कितना होगा तो एक काम कर लूंगा एक बार क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटीरियल मल्टीप्लाई व परचेज कॉस्ट दिस विल स्टार्ट टू गिव मी इन दिस पर्टिकुलर केस माय परचेज कॉस्ट तो जो परचेज बजट होता है ना दैट इज ऑलवेज मेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो इट इज ऑलवेज मेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑल्सो ताकि आपके अपने को पता चल जाए कितना यूनिट्स खरीदने का है और वो यूनिट्स खरीदने का तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा ठीक है अभी लास्ट थिंग जो मैं बोल रहा हूं तुम लोग वो समझ में आना चाहिए एंड दैट फाइनल थिंग फॉर दिस एक्सप्लेनेशन प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट के अंदर एक रिश्ता तो होगा और वो रिश्ता क्या है मैं एक लाइन बोल रहा हूं यू कंटिन्यू दैट लाइन रॉ मटेरियल तब कंज्यूम होता है जब आगे बोलो बड़ीजी, 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 जब प्रोडक्शन होता है तो याद रखना आपको ये फिगर कंप्यूट करने के लिए ना ये वाली फिगर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब तक प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा तो यह नहीं पता चलेगा कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करना है इज दैट ऑल ओके बस अभी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग खत्म करने वाले हो भी नहीं आ जाएगा। वो आ जाएगा लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर वो नहीं है हेंस आई हैव नॉट कम इन टू दैट ठीक है तो वरना वो आ जाएगा वो आपकी बात करेक्ट है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ प्लीज एक्स वाई जेड लिमिटेड मैन्युफेक्चर थ्री प्रोडक्ट पी वन पी टू एंड पी थ्री दीज आर मेड इन थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम फोर मटीरियल एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ये फर्स्ट टू लाइंस पढ़ के मेरे को जरा बोलो हम लोग कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं थ्री कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं चार तो सुनो प्रोडक्शन बजट ऑलवेज मेड फॉर नोइंग व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन प्रोडक्शन विल बी ऑफ पी वन पी टू पी थ्री परचेज आउट वट विल बी योर परचेजेस परचेजेस विल बी ऑफ एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर ठीक है आगे चल रहा हूं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड मटीरियल एम वन एम टू एम थ्री एम फोर डेटा कुछ काम में नहीं आएगा उन लोगों ने मेरे को डिपार्टमेंट वाइज कुछ पूछा है नहीं है तो वो छोड़ दो एम वन का एक यूनिट खरीदने का कॉस्ट पचास पैसा है एम टू कॉस्ट बीस पैसा है एम थ्री का कॉस्ट पच्चीस पैसा है एम फोर का कॉस्ट फिफ्टीन पैसे है ठीक है यूनिट्स पर प्रोडक्ट यूनिट्स पर प्रोडक्ट का मतलब P1 का एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को M1 नहीं मांगता है लेकिन मेरे को M2 का एक यूनिट चाहिए M3 का दो यूनिट चाहिए M4 का दो यूनिट चाहिए एक मिनट तुमको यह चीज समझ में आ गया सेम वे मेरे को P2 बनाने के लिए यू ऑल कंटिन्यू P2 बनाने के लिए आगे बोलो M1, M1 का वन यूनिट M2 नहीं चाहिए एम थ्री का वन यूनिट और एम फोर का टू यूनिट ठीक है आगे चलते हैं सेम वे पी थ्री का भी डेटा दिया हुआ है बजटेड डिटेल्स फॉर द ईयर ठीक है सेल्स फॉर द ईयर पी टू पी थ्री का सेल्स दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ईच पी वन पी टू पी थ्री का सेल्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पी वन पी टू पी थ्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट ऑफ जैन बोले तो ओपनिंग स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर बोले तो क्लोजिंग स्टॉक आगे स्टॉक इन यूनिट ऑफ रॉ मटीरियल एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एक मिनट ये वाला स्टॉक किसका था बोलो जोर से फिनिश्स ये वाला स्टॉक किसका है मटीरियल का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द क्लोज ऑफ द ईयर ये वाला डेटा यूनिट्स के अंदर है ठीक है ये वाला भी डेटा यूनिट के अंदर यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड द परचेज बजट बस वही वाला काम करने का है जो हम लोगों ने डिस्कस किया जो भी तुम्हारे स्क्रीन पर है तुम लोग वही चीज देखते रहना हेल्प मी फॉर वन और टू थिंग्स ओके एंड देन यू ऑल कैन कंटिन्यू ठीक है फिर तुम लोगों को मेरी हेल्प की एस सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ध्यान से सुनना यू पार्टिसिपेट इन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल राइट नाउ तो मेरे को प्रोडक्शन बजट बनाने का है मेरे को परचेज बजट बनाने का है। चलो पहले प्रोडक्शन बजट पे चलता हूं मेरे को तुम लोग सम देखकर जरा बोलो सबसे पहले आ, पी वन का सेल्स कितने रुपीस का होगा देखो किधर ना किधर तो दिया हुआ है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ये हो गया टू लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक पी टू का जो सेल्स है फाइव लैख एट्टी और उसके बाद P3 का जो सेल्स है दैट इज फोर लैख फिफ्टी ठीक है उसके बाद मेरे को बोलो P1 का सेलिंग प्राइस कितना है बेटा फाइव टेन एंड सिक्स तो ये आ जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड यह आ जाएगा फिफ्टी एट थाउजेंड दिस आई डोंट नो तुम लोग बाद में कंप्यूट कर लेना उसके बाद एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक मेरे को जरा बोलो पी वन का क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है थाउजेंड और ओपनिंग स्टॉक कितने का है? Okay, so therefore, add, less. तो ये थाउजेंडेडी थ्री थाउजेंड बाकी कंप्यूट वो कर लेना बाद में ठीक है तो ठीक है चलो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्शन बजट अभी उसके बाद परचेज बजट स्टार्ट करना पड़ेगा परचेज बजट विल बी मेड फॉर एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ना मेरे को क्वांटिटी कंज्यूम्ड चाहिए लेकिन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कब कंज्यूम होता है जब प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन किसका होगा मेरे को नाम बोलो प्रोडक्शन किसका होगा पी वन पी टू पी थ्री तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पी वन Uh, P2 और उसके बाद P3 ठीक है P1 का प्रोडक्शन मेरे पास आ चुका है 57,000 P2 का 63,000 P3 का आपके पास आ जाएगा मैंने नहीं कंप्यूट किया ठीक है अभी तुम लोग को ना मेरे को चार नंबर बोलने हैं जब भी पी वन इतना बनेगा तो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर भी तो लगेगा मेरे को बोलो पी वन का एक यूनिट बनाने के लिए पी वन का एक यूनिट बनाने के लिए एम वन एम टू एम थ्री एम फोर का कितना कितना यूनिट्स लगता है मेरे को चार नंबर बोलो जी, 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 गुण। गुण। वन टू जीरो तो वन टू टू इज दैट ओके फॉर एवरीबडी पी वन का एक यूनिट बनाने के लिए तो यहां पे आई एम राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर के जीरो वन टू टू ठीक फिर उसके बाद P2 के लिए टू तो वन जीरो वन टू और P3 का जो है दिस विल बी टू टू जीरो वन ठीक है टू टू जीरो वन ठीक सुनो जो मैं बोल रहा हूं बस मेरे को बोलना समझा कि नहीं दिस इज कंजम्पशन ऑफ M1 वन फॉर पी वन ऑल दो वो जीरो ही आएगा दिस इज कंजम्पशन ऑफ M1 वन फॉर पी टू दिस इज कंजम्पशन ऑफ M1 वन फॉर पी थ्री इज दिस ऑल ओके तो दिस विल बी नथिंग बट योर टोटल कंजम्पशन ओवर हियर दैट्स इट बस द मोमेंट यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर थिंग उसके बाद ध्यान से सुनना उसके बाद एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल सब लोग मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल कितना है फोर्टी थाउजेंड और ओपनिंग स्टॉक कितना है थर्टी थाउजेंड तो दिस इज फोर्टी दिस इज थर्टी थाउजेंड जैसे ये वाला काम करोगे क्वांटिटी कंज्यूम था तुम्हारे पास क्वांटिटी परचेज आ जाएगा मेरे को लास्ट चीज बोलना गेट ओवर मैं इतना यूनिट्स ऑफ एम वन खरीदने वाला हूं ठीक है इतना यूनिट्स ऑफ एम वन खरीदने वाला हूं मेरे को बोलो एम वन का हर एक यूनिट विल बी परचेज एट वट रेट जीरो पॉइंट फाइव दिस इज योर परचेज कॉस्ट नो ओवर सो देो दिस इज पॉइंट फाइव बस दिस फिगर इन टू दिस पर्टिकुलर फिगर ल बी गिविंग मी दिस सेम वे फॉर एम टू एम थ्री एम फोर ठीक है तुम लोग एक टाइटल दो जरा बजट फॉर टाइटल दो बजट्स फॉर द कमिंग ईयर बजट्स फॉर द कमिंग ईयर तुम लोग ये वाली चीज पहले कॉपी कर लो उसके बाद आई शो आईल शो यू ऑल द क्वेश्चन देन यू ऑल कैन कंटिन्यू फर्दर ठीक है पहले ये वाला जो चीज है ये कॉपी कर लो ऑब्वियसली जहां पे टिक है तुम लोग टिक मत करना बाद में पुट इन द नंबर्स ओवर देयर प्लीज एक सेकेंड बस आई जस्ट इफ यू हैव द क्वेश्चन विद यू यू कैन स्टार्ट टू कंप्लीट द क्वेश्चन प्लीज बाय योर सेल्फ वर नॉट जस्ट इन मिनट्स टाइम आई टर्न टू द क्वेश्चन प्लीज एक मिनट के अंदर जिन लोग का नहीं हुआ प्लीज वो खत्म कर लो देन आई चेंज टू द क्वेश्चन क्या बेटा नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड ना आई थिंक नाइन्टी थाउजेंड चलो आई एम शिफ्टिंग टू द क्वेश्चन नाउ प्लीज 50, 90, बेटा एड क्लोजिंग स्टॉक राजा सेवेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड सर एक सेकंड खाली सॉल्यूशन दिखाओ डन सर हम्म ओके सर थैंक यू फोर आंसर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन एक बार चेक कर लेना प्लीज़ हाँ जी रुको दो मिनट ठीक है सर थैंक यू सर एम्पोर्ट ऑफ परचेज कॉस्ट कितना है फोर्टी नाइन Once this is done, this is all over for uh, this part.